लेक्चर नंबर थ्री ऑफ आवर कोर्स ऑन एम्बेडेड सिस्टम्स। और आज हम जो हमने देखा था कि बेसिकली एम्बेडेड सिस्टम्स में जो है ना वो हम जिन सिस्टम्स को डिस्कस करना चाहते हैं उनमें वन इज आर्डुइनो, ठीक है जी, बिकॉज आर्डुइनो एक पॉपुलर प्लेटफॉर्म है और वी वॉन्टेड कि हम आर्डुइनो को जो है समझ लें। हम में से काफी लोग ऐसे हैं जो कि आर्डुइनो यूज भी करते हैं बट उन्हें उसकी आर्किटेक्चर की समझ नहीं है ना, हम कभी उस डिटेल में जाते हैं। सो एक तो वो था, एंड देन ये वो है जो कि रिलेटिवली सिंपल आर्किटेक्चर्स है। फिर हम थोड़े से डिफिकल्ट आर्किटेक्चर्स की तरफ जो है ना वो आफ्टर द मिड टर्म हम जाएंगे, जिसमें कि आर्म जो है ना वो शामिल है। सो जब हम बात करते हैं आर्किटेक्चर की, तो आर्किटेक्चर का मतलब ये है कि इंटरनली उसके अंदर क्या, ठीक है जी। सो एवरी जैसे आर्डुइनो का जो बोर्ड है, आर्डुइनो के बोर्ड के ऊपर आपको जो ना वो काफी सारी चीजें मिल जाती हैं, सीरियल पोर्ट्स हैं, पैरेलल पोर्ट्स हैं, डिजिटल आईओ, एनालॉग इनपुट्स, इस तरह की चीजें सारी जो ना वो मिल जाती हैं, ठीक है जी। आर्डुइनो बोर्ड है जो वो आप उसको ले जाएगा, आर्डुइनो बोर्ड है जो माइक्रो कंट्रोलर बेस्ड बोर्ड है जो कि मुख्तलिफ सिस्टम्स में जो है ना वो काम करने के लिए इस्तेमाल होते हैं। जैसे आपके एसी के अंदर जो है ना वो कंट्रोलर लगे हुए होंगे, गाड़ियों के अंदर कंट्रोलर्स लगे हुए होते हैं, अब कई दफा लाइटिंग सिस्टम्स के अंदर आ रहे होते हैं, साउंड सिस्टम्स के अंदर कंट्रोलर्स लगे हुए होते हैं। सो वो जो माइक्रो कंट्रोल पहले जो है ना वो सिस्टम आते थे जिसमें कि इंडिविजुअल माइक्रो कंट्रोलर लगाया गया था, और अब जो है वो माइक्रो कंट्रोलर बेस्ड एक आर्डुइनो बोर्ड उन्होंने बना दिए, क्योंकि जब आप माइक्रो कंट्रोलर सादा यूज करते थे तो फिर उसका सर्किट सारा आपको बिल्ड करना पड़ता था। अब जो आर्डुइनो बेस्ड बोर्ड्स हैं, उस बोर्ड में उन्होंने कुछ चीजें आपको बनी बनाई जो ना वो दे दी, सो उसका फायदा। सो आर्डुइनो के जो बोर्ड है उसके अंदर जो माइक्रो कंट्रोलर लगा हुआ दैट इज ATmega328, ठीक है। हम आर्डुइनो जो है ना वो स्पेसिफिकली अगर मैं बात करूँ तो हम आर्डुइनो यूनो की बात कर रहे हैं जिसको कि हम यूज करेंगे, ठीक है जी। ओके सो लेट मी देखो पॉज हुआ है कि नहीं हुआ, चेक कंट्रोल बी से। ओके बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सो दिस इज आवर लेक्चर नंबर 3 ऑन एम्बेडेड सिस्टम्स, एंड एज वी डिस्कस्ड के हम इस कोर्स को दो हिस्सों में जो ना वो देखते हैं। वन इज जिसमें कि हम आर्डुइनो का आर्किटेक्चर डिस्कस करेंगे, और आर्डुइनो बोर्ड जो है वो सारे के सारे एक खास फैमिली ऑफ प्रोसेसर्स के ऊपर बेस्ड है, ठीक है जी। हमने देखा था फर्स्ट लेक्चर में आर्डुइनो के मुख्तलिफ टाइप के बोर्ड्स अवेलेबल हैं, यूनो है, मेगा है, और इस तरह के जो है 4-5 बोर्ड्स हैं। सो वो सारे के सारे एक ऐसे प्रोसेसर पे बेस्ड है जो कि मेगा सीरीज के प्रोसेसर है। ये जो इसके अंदर मेगा लिखा हुआ है, दिस इज द सीरीज ऑफ प्रोसेसर, ठीक है जी। 8-bit लो पावर और जो है वो पेरिफेरल्स थोड़े थोड़े जो है वो डिफर करते हैं, थोड़ी थोड़ी इनकी स्पेक्स डिफर करते हैं। सो हमने ओवरऑल आर्डुइनो के आर्किटेक्चर जो पढ़ना है उसके अंदर जो इम्पोर्टेंट चीज है दैट इज द माइक्रो कंट्रोलर। तो हम माइक्रो कंट्रोलर अगर एक किसी का भी आर्किटेक्चर समझ लेंगे तो हमें हर टाइप के माइक्रो कंट्रोलर के आर्किटेक्चर को फिर समझना मुश्किल नहीं रहेगा। बहरहाल हम इस वक्त जो है ना वो ये इस माइक्रो कंट्रोलर के ऊपर फोकस करेंगे, और इन द सेकेंड पोर्शन ऑफ द कोर्स हम जो है ना फिर आर्म के प्रोसेसर को। ओके सो बेसिकली जब हमने किसी भी जो ना एम्बेडेड सिस्टम्स के बोर्ड, जैसे आर्डुइनो इज अ बोर्ड, ठीक है जी, या माइक्रो कंट्रोलर जैसे ATmega 328 इज अ प्रोसेसर माइक्रो कंट्रोलर, इसको यूज करना होता है, तो उससे पहले हमें जो ना वो समझ होनी चाहिए कि उसका इंटरनल आर्किटेक्चर क्या है, वो काम कैसे करता है, ओनली देन वी विल बी एबल टू यूज इट। फॉर एग्जाम्पल आपने सीरियल पोर्ट पे डेटा ट्रांसमिशन करनी है, आपने डिजिटल जो है ना वो उसकी पिन यूज करनी है, आपने PWM से मोटर कंट्रोल करना है, तो अनलेस के आपको पता हो कि इंटरनल आर्किटेक्चर क्या है आप उसको यूज नहीं कर सकते। सो दैट इज व्हाई ये जो लेक्चर है, और
Perhaps this will be the most important lecture of all the lectures that we'll be getting. क्योंकि अगर आप इसको सही तरीके से समझ लेते हैं तो उसके बाद फिर आपकी जो जिंदगी है वो आसान होनी शुरू हो जाती है. बाकी जो चीजें हैं वो रिलेटिवली ना वो इजी है. इसके ऊपर बेस करते हैं कि ये माइक्रो कंट्रोलर है. माइक्रो कंट्रोलर के आगे फिर उसके पेरिफेरल्स. पेरिफेरल्स का मतलब ये कि वो यूजफुल एंड डिवाइसेस जिसके थ्रू वो आउटसाइड वर्ल्ड से इंटरेक्ट करता है, इनपुट लेता है या आउटपुट लेता है, दोज आर नोन एज द पेरिफेरल्स. ठीक है. सो Arduino Uno, जिसको कि हमने कहा था, उसके अंदर ATMEGA 328P microcontroller जना वो लगा हुआ. It is a single chip microcontroller and it was created by Atmel. और ये एक पूरी Mega AVR family है. Arduino जो boards हैं, they are all based on Mega AVR family of processors. ठीक है. अब इसको हम आगे चल के जो ना वो मजीद आई विल ट्राई कि मैं हर अल्फाबेट तक का भी जो ना वो जहां पे कोई मतलब है मैं वो एक्सप्लेन करने की आपको कोशिश करूंगा आज के लेक्चर. ठीक है. इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट लेक्चर जरा अंडरस्टैंडिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको पता चल जाता है कि यार ये ओवरऑल हो क्या रहा है. नाउ स्टार्टिंग विद फर्स्ट ऑफ ऑल मेगा एवीआर फैमिली. ये एक फैमिली ऑफ प्रोसेसर, यानी इसमें ATMEGA 328P भी है और इसके अलावा और भी है, 128 भी है. ठीक है जी. और प्रोसेसर्स भी. ठीक है. मेरा ख्याल है कि 25 सीरीज का भी एक आता है, 2528 शायद करके जो ना वो एक जाता. सो ये AVR एक टाइप का माइक्रो कंट्रोलर हुआ करता था. आगे चल के मैं जरा AVR को भी डिस्कस करूं. एक AVR टाइप का माइक्रो कंट्रोलर हुआ करता था, उसके अंदर एक सीरीज क्रिएट की गई है विद सम स्पेशल एक्सटेंडेड इंस्ट्रक्शन सेट. तो एवरी माइक्रो कंट्रोलर जो काम कर रहा होता है उसको काम करने के लिए उसकी एक जना वो असेंबली की इंस्ट्रक्शन सेट बना है. ठीक है जी. इसके अंदर अराउंड 131 इंस्ट्रक्शंस का इसका इंस्ट्रक्शन सेट है. अब ये इंस्ट्रक्शन सेट क्या है? ये इंस्ट्रक्शन सेट ये है कि आप इससे क्या क्या काम ले सकते या उनको कंबाइन करके क्या क्या काम ले सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल, अगर आपने सी लैंग्वेज में प्रोग्राम किया हुआ है तो देर आर सम कीवर्ड्स जो वहां पे होते हैं. फॉर एग्जाम्पल, फॉर इज अ कीवर्ड, इससे फॉर लूप क्रिएट होती है. व्हाइल इज अ कीवर्ड. ठीक है जी. डू व्हाइल अगेन इज अ कीवर्ड. ठीक है. एंड इज अ कीवर्ड. ठीक है जी. इफ, एल्स, केस, these are all keywords. अगर Python में चले जाएं तो इसी के equivalent आपको और चीजें भी मिलना शुरू हो जाते हैं. For example, list in Python is a keyword. Tuple is a keyword. ठीक है जी. Let's say map is a keyword. ठीक है. So ये जो keywords हैं, these are what? ये high level languages के वो इंस्ट्रक्शन सेट है जिनको एक खास तरीके से यूज करना होता है और उनको के कॉम्बिनेशन से जो चीज बनती है दैट इज कॉल्ड योर प्रोग्राम. इसी तरह से माइक्रो कंट्रोलर जो है वो बेसिकली आपको, अच्छा अब आपको ये पता है कि ये प्रोग्राम जब कंपाइल होता है, फॉर एग्जांपल सी के प्रोग्राम जब कंपाइल होता है तो इसमें पहली स्टेज ये होती है कि ये हाई लेवल लैंग्वेज असेंबली में वो कन्वर्ट होता है. पहले एक असेंबलर काम करता है जो उसको असेंबली में कन्वर्ट करता है. फिर उसके बाद क्या होता है कि कंपाइलर इसको असेंबली में कन्वर्ट करता है. फिर एक असेंबलर होता है जो कि असेंबली से मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है. ठीक है जी. और वो मशीन लैंग्वेज असल में जो माइक्रो कंट्रोलर हो या माइक्रो प्रोसेसर हो वो जीरो और वन समझता है. वो ये हाई लेवल एबीसी फॉर व्हाइल वगैरह नहीं समझता. तो जब आप हाई लेवल लैंग्वेज में प्रोग्राम लिखते हैं तो आप सबसे पहले जो है ना वो क्या करते हैं, आप जो है ना वो सबसे पहले उसको कन्वर्ट करते हैं इनटू असेंबली, फिर असेंबली से मशीन लैंग्वेज. सो किसी भी माइक्रो प्रोसेसर या माइक्रो कंट्रोलर को जब डिजाइन किया जाता है तो उसका एक इंस्ट्रक्शन सेट डिजाइन किया है. वो इंस्ट्रक्शन सेट मशीन लैंग्वेज में होता है. उस मशीन लैंग्वेज के इंस्ट्रक्शन सेट के को फिर जो ना वो ट्रांसलेट किया जाता है इनटू असेंबली. ठीक है. ताकि आप वो प्रोग्राम आसानी से लिख सकें
और फिर उसके ऊपर जो है ना वो कई दफा कंपाइलर्स लिखे जाते हैं, लेट्स से के सी का एक कंपाइलर लिखा जाता है, सो वो सी का कंपाइलर उस असेंबली इंस्ट्रक्शंस पे बेस्ड होता है। सो कंपाइलर इज अ प्रोग्राम दैट कन्वर्ट्स अ हाई लेवल लैंग्वेज इनटू अ असेंबली लैंग्वेज, एंड असेंबलर इज अ प्रोग्राम व्हिच कन्वर्ट्स असेंबली लैंग्वेज इनटू मशीन लैंग्वेज। ओके, सो इसमें एनहांस्ड इंस्ट्रक्शन सेट है। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या, मल्टीप्लाई के इंस्ट्रक्शन है। नाउ व्हाई इज इट इंपॉर्टेंट, इंपॉर्टेंट इसलिए है कि यूजुअली जो मल्टीप्लीकेशन का ऑपरेशन है वो क्या है, आपने अगर डिजिटल लॉजिक डिजाइन पढ़ी हुई है तो डिजिटल लॉजिक डिजाइन के अंदर आपको जो है ना वो पढ़ाया गया होगा कि मल्टीप्लायर जो है उसके साथ एक जो है ना वो चीज ये है कि लेट्स से यू आर मल्टीप्लाइंग 16 विद 23, तो क्या करते हैं आप, पहले 3 को इससे मल्टीप्लाई करते हैं, 3 6 आर 18, 3 1 आर 3 एंड 1 4, फिर ये एक स्पेस छोड़ देते हैं और यहां से 2 6 आर 12 और फिर 2 1 आर 2 और 1 3 और फिर 8 और 4 2 6 और 3, सो ये इसका जो ना वो मल्टीप्लीकेशन है। सो बेसिकली यू आर व्हाट यू आर डूइंग इज कि यहां पे तो आप जो ना वो इंडिविजुअल जो ना ये जो ना वो मल्टीप्लिकेंट है और ये मल्टीप्लायर है, ठीक है। सो आप क्या करते हैं कि मल्टीप्लिकेंट का मल्टीप्लायर का एक नंबर जो ना वो उठाते हैं और मल्टीप्लिकेंट के दोनों डिजिट्स के साथ मल्टीप्लाई करते हैं, फिर उसके बाद शिफ्ट करते हैं और फिर ये जो ना वो दोबारा से प्रोसेस रिपीट करते हैं और फिर आप ऐड करते हैं। बट अगर बाइनरी में ये काम करना हो, जो कि एक्चुअली जो कि हमने कहा माइक्रो कंट्रोलर्स में ये सारा काम बाइनरी में हो रहा होता है, सो लेट्स से यू हैव अ नंबर 1011, इट इज गेटिंग मल्टीप्लाइड विद 11, सो क्या होगा, अगर ये जो नंबर है ये 1 है तो ये एज इट इज इसी तरह से नीचे आ जाएगा सारा सारा, इट विल बिकम 1011। उसके बाद आपने एक शिफ्ट करना है, फिर अगर ये 1 है तो ये सारे का सारा एज इट इज नीचे आ जाएगा और फिर उसके बाद ऐड हो जाएगा। सो 1 इज 1, 1 प्लस 1 इज 2 व्हिच इज 0, 1 इधर कैरी हो जाएगा, 1 प्लस 1 इज अगेन 0, फिर ये इधर आ जाएगा, 1 प्लस 1 इज अगेन 0, फिर ये यहां पे चला जाएगा, 1 प्लस 1 इज अगेन 0 और उसके आगे एक 1 कैरी, सो ये इसका मतलब वो सम हो जाएगा और फिर ये बाइनरी से डेसिमल में कन्वर्जन हो जाएगा। सो आप ये देखिए कि इसके अंदर ऑपरेशन हुए क्या, मल्टीप्लिकेशन इज नथिंग मोर देन शिफ्ट एंड टेक द सम, शिफ्टिंग एंड टेकिंग द सम। सो ट्रेडिशनल जो कंट्रोलर्स हैं उन्होंने अगर मल्टीप्लीकेशन का ऑपरेशन करना हो तो वो क्या करते हैं, वो मल्टीप्लीकेशन की इंस्ट्रक्शन बिल्ड नहीं करते, बिकॉज हार्डवेयर में मल्टीप्लायर बिल्ड करना इज एक्सपेंसिव, ठीक है, उसकी कॉस्ट है। सो हार्डवेयर में मल्टीप्लायर बिल्ड जो है ना वो इस वजह से नहीं किया जाता, बल्कि एडर सर्किट होता है, ALU होता है, ALU arithmetic logic unit है, जो कि जो है ना वो आपको पता है कि क्या क्या लॉजिकल ऑपरेशन करता है, एडिशन सब्ट्रैक्शन करता है, ठीक है जी। सो एडर और शिफ्टर को यूज करके मल्टीप्लीकेशन जो है ना वो अचीव की जाती थी, बट इसके अंदर हार्डवेयर में मल्टीप्लीकेशन की जो है ना वो एक बिल्ड करके एक मल्टीप्लाई की इंस्ट्रक्शन दी गई, ताकि जब आप मल्टीप्लाई का कोई जो है ना वो ऑपरेशन लिखे तो वो जो है ना वो जल्दी एग्जीक्यूट हो जाए। अदरवाइज इसमें क्या है, आप देखें कि एक दफा इसने यहां पे लेके आना है, फिर इस नंबर को इसने शिफ्ट करना है, फिर इसके बाद इन सबको इसने ऐड करना है, सो इट इज टेकिंग मल्टीपल ऑपरेशन टू मल्टीप्लाई टू नंबर्स। बट अगर आपके पास हार्डवेयर में मल्टीप्लाई यूनिट होगा तो आप एक साइकिल में उसको कंप्लीट कर लेंगे। ओके जी, ये आपने कि करते हैं, मतलब ये कि छोटे कंट्रोलर्स में नहीं करते, बड़े में करते, नहीं डिवाइस नहीं चेंज करते, माइक्रो कंट्रोलर के अंदर जो स्ट्रक्चर है उसके अंदर बिल्ड करना पड़ता है ना, सिलिकॉन के अंदर बिल्ड करना पड़ता है, तो वो फिर अगर आप बिल्ड जितने कंपोनेंट्स बिल्ड करते जाएंगे उतनी उसकी कॉस्ट बढ़ती जाएगी ना, नेचुरल है, ठीक है। सो वो हर जो चीज आप बीच में बिल्ड करते हैं उसकी वजह से उसकी कॉस्ट बढ़ती है, यानी ये कि वो एक कंपोनेंट है ना, मल्टीप्लायर इज ए कंपोनेंट, तो वो कंपोनेंट आपको बीच में बिल्ड करना, ठीक है। अच्छा, इंस्ट्रक्शंस फॉर हैंडलिंग लार्जर प्रोग्राम मेमोरीज, ठीक है जी, बड़ी प्रोग्राम मेमोरी हैंडल कर सकते हैं, एक्सटेंसिव
पेरिफेरल सेट जो आउटसाइड वर्ल्ड से इंटरेक्ट करने के लिए पेरिफेरल्स हैं, आईओ डिवाइसेस हैं, वो इसमें ज्यादा है। प्रोग्राम मेमोरी बढ़ा दी गई है और पिंस जो है वो बढ़ा दी गई है। अब इसमें क्या क्या जो है वो रेंज आती है आपके पास, फ्लैश साइज यानी प्रोग्राम मेमोरी, प्रोग्राम मेमोरी आपके पास 4 टू 256 किलो बाइट्स की है। फ्रीक्वेंसी एक्सटर्नल जो है ना वो आप 1.6 से 20 मेगाहर्ट्ज़ तक लेके जाते हैं। पिन जो है वो 28 से 100 पिन पैकेज है। ये जो हम अभी 328p देखेंगे इसके अंदर जो है वो 28 पिन है, दिस इज द स्मॉलेस्ट, ठीक है, 28 पिन जो है ना वो पीडीएफ पैकेज में है। फिर इसके बाद जो है ना वो रैम 256 बाइट से लेके 16 किलो बाइट तक की रैम है। डबल डी प्रॉम जो कि फिक्स्ड डेटा को स्टोर करने के लिए यूज होती है वो 256 बाइट से लेके 4 किलो बाइट तक है। सो नाउ यू अंडरस्टैंड कि माइक्रो प्रोसेसर में जिन चीजों को आप ग्रांटेड लेते हैं ना, फॉर ग्रांटेड लेते हैं, 16 GB रैम वाले के साथ आजकल कंप्यूटर्स आ रहे हैं, माइक्रो प्रोसेसर के अंदर तो बिल्ड नहीं होता। एक तो आपको ये नजर आना शुरू हो गया कि माइक्रो कंट्रोलर के अपने अंदर बिल्ड होती है ये मेमरीज और इस तरह की चीजें, पेरिफेरल्स भी उसी पैकेज के अंदर बिल्ड होता है, ठीक है। माइक्रो प्रोसेसर में ऐसा नहीं होता, उसके अंदर सिर्फ ALU है, अपने कुछ रजिस्टर्स हैं, कैश है, दैट्स इट। रैम भी अलग से लगी हुई है, ठीक है, पेरिफेरल्स भी अलग है, बट इट हैज लॉट ऑफ कंप्यूटेशनल पावर। यहाँ पे क्या है कि कंप्यूटेशनल पावर कम है, मेमोरी भी थोड़ी सी है, ठीक है जी, डेटा मेमोरी भी थोड़ी सी है, बट ये एक कंप्लीट पैकेज है जिसको कि आप अपने कामों के लिए इस्तेमाल कर सकते। सो ये मेगा एवीआर फैमिली जनरली जो है वो ये है। अब इसके अंदर अगर एटमेगा 328p की बात करें तो इट इज अ सिंगल चिप माइक्रो कंट्रोलर, मतलब एक चिप के अंदर ये सारी चीजें बिल्ट इन होती है, मेगा एवीआर फैमिली का है। और अगर इसकी बिल्कुल यानी कि ना बेसिक कैरेक्टरिस्टिक की बात करें तो लो पावर, इट इज क्लेम के जी पीको वॉट्स में ये पावर कंज्यूम करता है, ठीक है जी। देन CMOS टेक्नोलॉजी पे बना हुआ है, व्हिच इज कॉम्प्लीमेंट्री मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर टेक्नोलॉजी। 8 बिट माइक्रो कंट्रोलर है, इसका भी मतलब देख लेते हैं, इट इज बेस्ड ऑन AVR, ठीक है जी, AVR के बेसिक स्ट्रक्चर के ऊपर बेस्ड है। और ये एनहांस्ड रिड्यूस इंस्ट्रक्शन सेट कंप्यूटिंग जो है वो यूज करता है आर्किटेक्चर, और सच दैट के अगर आप इसको जो है वो जितने मेगा हर्ट्ज का कंट्रोलर इसको फ्रीक्वेंसी के ऊपर ऑपरेट करते हैं, आपको पता है कि जिस तरह माइक्रो प्रोसेसर की भी एक फ्रीक्वेंसी होती है 3.2 GHz पे है, सो रफली 1 MHz प्रोसेसर की फ्रीक्वेंसी का मतलब ये है 1 million इंस्ट्रक्शंस पर सेकंड ये कंज्यूम कर सकते हैं। सो इफ यू लेट्स से यूज 10 MHz का कंट्रोलर का क्रिस्टल ऑसिलेटर या फ्रीक्वेंसी किसी भी तरह से आप जनरेट कर लें तो रफली इट विल बी एग्जीक्यूटिंग 10 million इंस्ट्रक्शंस पर सेकंड, ठीक है जी। नाउ हम छोटी छोटी करके इसकी जो सारी कैरेक्टरिस्टिक है ये जितनी मैंने लिखी है इन सबको मैं बारी बारी डिस्कस कर रहा हूं। फर्स्ट ऑफ ऑल लो पावर, ठीक है जी, लो पावर माइक्रो कंट्रोलर क्यों जरूरी है, इसलिए कि जो माइक्रो कंट्रोलर के अंदर या माइक्रो प्रोसेसर के अंदर हर वक्त प्रोसेसिंग कुछ ना कुछ चल रही होती है, सो आपके कंप्यूटर में भी, ठीक है, और आपके बोर्ड्स में भी एक सिग्निफिकेंट पोर्शन ऑफ द पावर बीइंग कंज्यूम्ड या एनर्जी बीइंग कंज्यूम्ड इज कंज्यूम्ड बाय द माइक्रो कंट्रोलर और द माइक्रो प्रोसेसर। सो अगर आप इसको रिड्यूस करेंगे तो ऑब्वियसली आपका ओवरऑल पावर का जो बिल है वो रिड्यूस होगा, ठीक है। अब देखिए ये चीज शायद यहां पे इंपॉर्टेंट नहीं है जहां पे आपको पावर अवेलेबल है। लेट्स से कि एक स्पेस प्रोग्राम है, स्पेस की फ्लाइट जानी है, एक मिसाइल है जिसने इंटरकॉन्टिनेंटल ट्रैवल करना है, लेट्स से कि जो है ना वो 10,000 किलोमीटर ट्रैवल कर, अब उसकी बैटरी ने के जो लगी होगी उसने पता नहीं कितने डिवाइसेस को ऑपरेट करना, सो हर डिवाइस जो है वो वहां पे मैटर करता है कि आप उसकी पावर को रिड्यूस करें। अब उसको रिड्यूस करने के तरीके क्या है, नंबर वन लोअर क्लॉक स्पीड और वोल्टेज के ऊपर करें, बट जिस तरह हमने देखा कि जब क्लॉक स्पीड कम करेंगे तो परफॉर्मेंस भी कम हो जाएगी, ठीक है जी। इसी तरह वोल्टेज के साथ भी है, लो वोल्टेज पे जनरली आप ऑपरेट करते हैं तो जो ना वो उसके कुछ अपनी इम्प्लीकेशन है, उसकी जो ना वो परफॉर्मेंस का भी जो ना वो इशू है, दूसरा इसके अंदर जो ना वो नॉइज का जो ना वो एक इशू भी जो ना वो आ जाए। स्लीप मोड यूज करें, ठीक है जी,
कि जब वो नहीं ऑपरेट हो रहा था वो ऑटोमेटिकली स्लीप में जाए, और स्लीप से फिर वेकअप जो है वो जल्दी जल्दी कर रही है ना, ओके वेकअप होने में इतना टाइम लगता है, जैसे आप कई दफा अपने कंप्यूटर की लिड क्लोज करते हैं, ये स्लीप मोड में चला जाता है। तो अगर आपका कंप्यूटर जो है ना वो अच्छा परफॉर्म कर रहा है, तो जैसे ही आप लिड खोलते हैं तो विद इन जो है ना 2-3 सेकेंड्स आपकी स्क्रीन जो है ना वो ऑन है। बट लेट्स से कि सिर्फ 3 सेकंड को छोड़ के अगर 10 सेकंड में भी ये ऑन हो तो आप एनॉय होना शुरू हो जाते हैं कि यार क्या बहुत स्लो है। ठीक है, कोड को एफिशिएंटली एग्जीक्यूट करें, इससे जरा पावर कंजम्पशन, लेस मेमोरी यूज करें, अप्रोप्रिएट पेरिफेरल्स और इंटरफेसेस यूज करें फॉर एप्लीकेशन। ठीक है जी, अननेसेसरी जो चीजें हैं उनको ना यूज करें, और यूजिंग एक्सटर्नल कंपोनेंट्स दैट आर लो पावर, यानी सिर्फ माइक्रो कंट्रोलर लो पावर यूज करें, बाकी भी कंपोनेंट्स लो पावर वाले यूज करें। बट जनरली स्पीकिंग यू वुड लाइक टू हैव अ माइक्रो कंट्रोलर जो कि लो पावर पे ऑपरेट करता है while not sacrificing the performance। ठीक है जी, तो अब इसमें जो लो पावर माइक्रो कंट्रोलर है उसमें माइक्रोचिप का पिक एमसीयूज, ये वाले जो एवीआर एमसीयूज है ये नैनो वॉट्स या पिको वॉट्स में आते हैं, एनालॉग डिवाइसेस जो है उनके अल्ट्रा लो पावर माइक्रो कंट्रोलर्स हैं, और आर्म कॉर्टेक्स M0 माइक्रो कंट्रोलर्स हैं, दे आर लो पावर माइक्रो कंट्रोलर्स। ये कंपनीज है, माइक्रोचिप इज अ कंपनी। ठीक है, उसके दो टाइप के एमसीयूज है, पिक भी और एवीआर भी। एनालॉग डिवाइसेस एक और कंपनी है, ठीक है, आर्म जो है ना वो एक और जो है वो कंपनी है। अच्छा, नाउ वी हैव अ लिटिल पावर वर्सेस स्पीड कंपैरिजन अगर हम करने की कोशिश करें, तो बेसिकली होता क्या है कि ये ग्राफ जो है वो आपको क्या शो कर रहा है, आप एक्स और वाई एक्सिस को फिलहाल जो है ना वो छोड़े, ठीक है जी, कि ये जो ना वो एक्स एक्सिस को बल्कि आप ना कंसिडर करें, क्योंकि उसके लिए फिर आपको इलेक्ट्रॉनिक्स की समझ होने की जरूरत है। ठीक है, रफली स्पीकिंग आप ये देख रहे हैं कि जी जो करंट है वो किस तरीके से डिसिपेट हो रहा है, करंट जो ना का ये काम, दिस इज हाउ द करंट इज बीइंग कंज्यूम्ड बाय माइक्रो कंट्रोलर। ये उसका स्विचिंग टाइम है, स्विचिंग टाइम का मतलब ये होता है कि जी माइक्रो कंट्रोलर जो है वो 0 से 1 और 1 से 0 में कितनी तेजी से स्विच कर सकता है। ठीक है, सो जो कन्वेंशनल डिजाइन था, कन्वेंशनल डिजाइन आपका इस पॉइंट के ऊपर होता था। ठीक है जी, जहां पे क्या था कि आपका जो ना वो करंट डिसिपेशन जो ना वो हो रही है इतनी, और उसके साथ आपको एक लो जो ना वो स्विचिंग टाइम मिल रहा है, मतलब स्पीड फास्ट है आपकी, स्पीड फास्ट है, बट उसकी वजह से करंट कंजम्पशन ज्यादा हो रही है, करंट कंजम्पशन ज्यादा हो रही है। अब आप जो है वो इस रीजन में डिजाइन करते हैं, यहां पे जहां पे करंट कंजम्पशन कम है, स्विचिंग टाइम थोड़ा सा बढ़ गया है, तो परफॉर्मेंस पे थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज करके, बट आप वहां से पावर कंजम्पशन में सिग्निफिकेंट रिडक्शन कर लें। ठीक है, सो ये है गेट लेवल के ऊपर, यानी जो सिलिकॉन चिप है उसमें गेट लेवल के ऊपर आप इस तरीके से डिजाइनिंग करते हैं। एंड देन देयर आर सो मेनी अदर थिंग्स गोइंग ऑन, पाइपलाइन और जो ना वो पेरिफेरल्स को कैसे देखना है, जिससे कि इसको आप जो ना वो स्विचिंग ये जो टाइम्स है, आप ये कोशिश करते हैं कि आपकी परफॉर्मेंस भी इम्पैक्ट ना हो और आपकी पावर जो है वो लेस कर जाए। अच्छा, अब यहाँ पे CMOS का मैंने जो है ना वो सिर्फ इसलिए जिक्र कर दिया कि बहुत दफा ये जिक्र जो है ना वो आता है, ऑल्दो इट्स अ कंप्लीट सब्जेक्ट, जिन लोगों ने इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की हुई है या कंप्यूटर इंजीनियरिंग की है उनको पता होता है कि CMOS जो है वो क्या है। सो इट स्टैंड्स फॉर कॉम्प्लीमेंट्री मेटल ऑक्साइड सेमी कंडक्टर। ठीक है जी, कॉम्प्लीमेंट्री मेटल ऑक्साइड सेमी कंडक्टर। ठीक है जी, ये बेसिकली MOSFET के ऊपर बेस्ड होता है, मेटल ऑक्साइड सेमी कंडक्टर फील्ड इफेक्ट ट्रांसिस्टर्स। MOSFET is a type of transistors. दो type के transistors हैं, BJTs, bipolar junction transistors, and MOSFETs, metal oxide field effect, metal oxide semiconductor field effect transistors. ठीक है जी, अच्छा, so CMOS क्या है? Basically MOSFET में दो type के transistors आते हैं, एक P type और एक N type. BJT भी इसी तरह से होता है। ठीक है जी, दो type के जो ना वो NPN और PNP. ठीक है जी, इसमें भी पी टाइप और एन टाइप जो है ना वो ट्रांसिस्टर है। इट ऑल डिपेंड्स कि जी आपका जो मेजॉरिटी चार्ज कैरियर है वो कौन सा है, इफ इट इज नेगेटिव तो फिर इट इज एन टाइप, अगर वो पॉजिटिव है तो फिर इट इज पी टाइप। ठीक है जी, अच्छा,
अब कॉम्प्लीमेंट्री का जनरली मतलब क्या होता है, एक दूसरे के ऑपोजिट वाला, ठीक है जी। सो कॉम्प्लीमेंट्री जो है का मतलब ये हुआ कि एक ऐसी टेक्नोलॉजी जिसमें के जो है वो स्विचेस के अंदर विद इन द सेमीकंडक्टर्स दोनों पी टाइप और एन टाइप यूज होते हैं, बोथ आर यूज्ड। सो सच जो है वो टेक्नोलॉजी इज नोन एज सीमॉस, ठीक है जी। सो ये फेयरचाइल्ड सेमीकंडक्टर ने फर्स्ट टाइम 1960s में जो है ये किया था। तो यहाँ पे एक गेट जो है वो ये शो किया हुआ है, इसके अंदर ये जो है वो एक टाइप का पी चैनल मॉस्फेट है, ये आपका एन चैनल मॉस्फेट है, ठीक है जी। अब आप ये देखिए कि ये एक ऐसा जो जो ट्रांसिस्टर है जो कि नॉट गेट का काम है। तो जब आप यहाँ पे जो ना वो जीरो इनपुट लगाते हैं तो उसकी वजह से क्या होता है, उसकी वजह से आपका ये जो ये वीसीसी है आपका यहाँ पे, ठीक है जी। सो इसके जो ना वो यहाँ पे जीरो लगाने की वजह से आपको आउटपुट इस पॉइंट के ऊपर 1 वोल्टेज मिलता है, ये ट्रांसिस्टर ऑन हो जाता है और जो अक्रॉस द ट्रांसिस्टर ड्रॉप है वो बहुत थोड़ा सा होता है, 0.2 वोल्ट का जो है वो शायद ड्रॉप होता है। सो यहाँ पे आपको 4.8 वोल्ट मिल जाते हैं, विच मीन्स 1, ठीक है जी। ऑन दी अदर हैंड जब आप इनपुट के ऊपर 1 लगाते हैं तो इसका रिवर्स काम होता है। सो लेट्स से कि यहाँ पे 5 वोल्ट अप्लाई करते हैं तो ये ऑफ हो जाता है, ठीक है जी, और ये वाला ट्रांसिस्टर ऑन हो जाता है, ठीक है जी। और इस ट्रांसिस्टर के ऑन होने की वजह से यहाँ पे चूंकि ग्राउंड है तो इधर जो है ना वो थोड़ा सा प्लस करके 0.2 के अक्रॉस तकरीबन वोल्टेज जो है ना वो यहाँ पे अपियर हो जाता है। नाउ दिस वोल्टेज इज काउंटेड एज अ लॉजिक 0, ठीक है, क्योंकि जो ट्रांसिस्टर की जब आप देखें तो वो कुछ उसका कर्व इस तरह से होता होता है कि इतने पोर्शन में ना तकरीबन यानी ये यू कर्व चल रहा होता है। सो यहाँ तक वो जो है ना वो वोल्टेज होता है तो वो 1 काउंट होता है, बीच में एक थोड़ा सा गैप होता है, इधर जो है ना इसके बाद यहाँ पे 0 काउंट होता है और यहाँ पे जो है ना वो इनडिटर्मिनेट होता है। तो वन ऑफ द डिजाइन पैरामीटर्स इन जनरल ट्रांसिस्टर्स इज कि आप इस जो ना वो दरमियान में बैंड को भी कम करने की कोशिश करते हैं। खैर दैट गोज टुवर्ड्स इलेक्ट्रॉनिक्स, हम अभी इस वक्त इलेक्ट्रॉनिक्स डिस्कस नहीं कर रहे, बट द थिंग दैट वी नीड टू अंडरस्टैंड इज के व्हाट डज सीमॉस स्टैंड फॉर। और मोटी सी बात पता होनी चाहिए कि अच्छा यार ये पी चैनल एन चैनल दोनों टाइप के मॉस्फेट्स को यूज करते हैं। नाउ वी गेट टू 8 बिट माइक्रोकंट्रोलर। आपने देखा होगा कि जी 64 बिट प्रोसेसर आ गया जी, पहले 32 बिट होते थे, 64 बिट ऑपरेटिंग सिस्टम भी आ गए हैं, ठीक है। जब हम हार्डवेयर में बात करते हैं बिट विड्थ की तो उसको व्हाट इज इट दैट डिफाइंस के जी क्या है, कितनी बिट विड्थ है, ये क्या चीज डिफाइन करती है। सो देर आर टू थ्री जो वो अल्टरनेटिव वेज ऑफ डिफाइनिंग है जिनका कि रफली मतलब एक ही है, कुछ जगहों के ऊपर कुछ लेकिन जो है ना वो चीज वायलेट हो जाती है। फॉर एग्जाम्पल एक डेफिनेशन ये है कि द साइज ऑफ जनरल पर्पस रजिस्टर्स इन द सीपीयू इन द माइक्रो कंट्रोलर। आगे चल के हम देखेंगे कि हर माइक्रो कंट्रोलर के स्ट्रक्चर के अंदर कुछ जनरल पर्पस रजिस्टर्स होते हैं, ठीक है। लेट्स से के उसने 2 नंबर्स को मल्टीप्लाई कर दिया तो वो नंबर कहां से लेगा, वो नंबर मेमोरी से उठाएगा और रजिस्टर्स के अंदर लोड कर देगा, ठीक है जी। अच्छा लेट्स से कि उसने अब एक तीसरे नंबर से मल्टीप्लाई करना है तो वो रिजल्ट को उठा के दोबारा मेमोरी में नहीं भेजेगा, अपने एक रजिस्टर में रख लेगा, उधर से तीसरा नंबर लाएगा अपने रजिस्टर में रखेगा, उनको मल्टीप्लाई करेगा आउट कर देगा, ठीक है जी। सो इस मकसद के लिए रजिस्टर्स यूज होते हैं। तो जो बिट विड्थ ऑफ दैट रजिस्टर दैट डिटरमाइंस द बिट विड्थ ऑफ द माइक्रोकंट्रोलर, एक डेफिनेशन ये है। एक बिट विड्थ ऑफ द एएलयू अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट कि वो कितने बिट के नंबर के ऊपर साइमल्टेनियसली ऑपरेट कर सकते हैं, यानी अगर उसने 2 नंबर्स ऐड करने हैं तो क्या वो 4 बिट की अगर 2 नंबर्स लेके ऐड कर सकते हैं तो इट इज अ 4 बिट माइक्रोकंट्रोलर। अगर 2 8 बिट के नंबर्स को लेके कर सकता है तो या ना वो 8 बिट, अगर 16 कर सकता है 16, अदरवाइज या ना वो 32, ठीक है जी। सो दिस इज वन डिफरेंस। अच्छा अब इसका मतलब ये नहीं है कि वो 8 बिट से ज्यादा का नंबर ऐड ही नहीं कर सकता। देखिए 8 बिट मींस 255, ठीक है जी। सो अगर
एक हम ये कह के ये जी माइक्रो कंट्रोलर है जो कि 255 से ज्यादा या काउंट नहीं कर सकता, या दो नंबर के 255 से ज्यादा प्लस हो तो ऐड नहीं कर सकता, तो ये बड़ा लिमिटेड हो जाएगा। ऐसा ही है ना, तो वो ऐसा नहीं है कि वो कर नहीं सकता, एक साइकिल में वो एक दफा में 255 तक के नंबर करता है। अगर उससे उसके पास उससे बड़े नंबर आ रहे हैं तो फिर इट हैज टू डिवाइस अनदर मैकेनिज्म जिसके थ्रू वो उसको ब्रेक करके और कर देना होगा। ठीक है, ओके। देन द नंबर ऑफ बिट्स दैट अ माइक्रो प्रोसेसर कैन प्रोसेस, ये हो गया। अच्छा, इसी से रिलेटेड एक और चीज भी है विच इज कॉल्ड द बस बिट। डेटा बस जो ना वो होता क्या है कि मेमोरी और माइक्रो कंट्रोलर और रजिस्टर्स, इनके दरमियान में डेटा आपस में ट्रांसफर हो रहा है। ठीक है, पेरिफेरल्स में डेटा जा रहा है, वहां से उठता है, मेमोरी में आ जाता है, मेमोरी से रजिस्टर्स में आता है, एएलयू में आता है, फिर इनके दरमियान प्रोसेस होता रहता है। सो देयर इज अ बस जो कि एक्चुअली ये डेटा को पैरेलल में ट्रांसफर करती है। तो वो कितने डिजिट्स को, कितनी उसकी लाइंस हैं जिनको वो साइमल्टेनियसली जिस पे डेटा चला सकती है, दैट इज कॉल्ड द डेटा बस 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 बस। ठीक है जी, सो डेटा बस की जो बिट्स है दैट इज आल्सो द सेम थिंग। क्यों, ये सारी चीजें रिलेटेड है। इधर एएलयू है जी, ठीक है जी, इसने उतने बिट के ही नंबर लेने हैं, इसके पीछे रजिस्टर पड़े हुए हैं, इसने उतने ही बिट के जो ना वो उसके अंदर नंबर स्टोर हो सकते हैं, तो इनके दरमियान में जो बस है वो भी उतने ही जो ना वो उतनी ही वाइड होगी। ठीक है, अच्छा, अब देर समटाइम्स देर आर सम एक्सेप्शंस टू द रूल, जो कि जब आप थोड़ा सा एडवांस चीजों में चले जाएंगे तो आपको जो ना वो खुद ब खुद पता चल जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, डीएसपिक एक टाइप का माइक्रो कंट्रोलर है जो कि वैसे 32 बिट है, बट वो जो ना वो 40 बिट के जो ना वो ऑपरेंड्स के ऊपर ऑपरेट कर सकते हैं। ठीक है जी, क्योंकि वो डिजिटल सिग्नल प्रोसेसिंग के लिए स्पेशली डिजाइन है। नहीं, सो अगर मैं इसको कहूं तो तीन चीजें, साइज ऑफ एएलयू, साइज ऑफ इंटरनल डेटा रजिस्टर्स, विड्थ ऑफ द डेटा बस, इन तीनों चीजों, ये तीनों रफली जो ना वो इक्वल है। ठीक है, नाउ कमिंग टू एवीआर। व्हाट इज एवीआर? तो एवीआर इज अ फैमिली ऑफ माइक्रो कंट्रोलर्स दैट वाज डेवलप्ड इन 1996 बाय एटमल। एटमल एक कंपनी थी ओरिजिनल, ठीक है जी, जो कि इफ आई रिमेम्बर तो एडवांस्ड टी से पता नहीं क्या है, एम से मेमोरी है, ई से ज्यादा वो इलेक्ट्रॉनिक्स से आगे शायद कुछ इस तरह की कंपनी थी। ठीक है जी, सो ये कंपनी एक और कंपनी है माइक्रोचिप जिसके के पिक माइक्रो कंट्रोलर्स जरा वो मशहूर है, उन्होंने 2016 में एक्वायर कर ली थी। सो नाउ इट इज, नाउ एटमल इज नो कंपनी एक्चुअली, नाउ इट इज ऑल माइक्रोचिप। ठीक है, सो एवीआर आर्किटेक्चर वाज कंसीव्ड बाय टू स्टूडेंट्स इन द नॉर्वेजियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी एनटीएच, एल एगिल बोगेन एंड विगार्ड वॉल। और अब ये नहीं पता कि एवीआर स्टैंड फॉर वॉट, बट जनरली इट इज बिलीव कि जी एवीआर में ए जो है वो अल्फ से है, वी जो है वो वेगर्ड से है, और आर का मतलब इज रिस्क प्रोसेसर। सो दिस इज अल्फ एंड वेगर्ड रिस्क प्रोसेसर। ठीक है जी, बट जो इसके क्रिएटर्स हैं उन्होंने खुद ये क्लेम नहीं किया कि ये इस तरह से, जैसे कि बस हमने वैसे ही इसको एवीआर किया। बाय 2003 एटमल जो है इन्होंने 500 मिलियन एवीआर माइक्रो कंट्रोलर सेल किए। 1996 में जो है वो ये कंसीव होता है डिजाइन, और 7 सालों में 500 मिलियन चिप्स। अच्छा, अगर एक चिप के ऊपर $1 का भी जो है वो प्रॉफिट होता हो, यू सी द पावर ऑफ द आइडिया कि आप अगर इफ यू कैन क्रिएट समथिंग, और कहां से ये क्रिएट हुआ होगा, आप इन जनरल जो है वो जाके देखें, एक बंदा था लेट्स से वो इंटेल के साथ काम कर रहा था उनकी फ्लैश ड्राइव के ऊपर, वहां से उसने जो है वो उसे कुछ नजर आया होगा कि यार दिस इज अ गैप, तो उसने सोचा होगा कि यार मैं अलहदा से अपनी कंपनी बनाता हूँ। फॉर एग्जाम्पल, एटमल आई बिलीव वो स्टार्टेड इन एट $13,000 टोटल की इन्वेस्टमेंट से जो है वो स्टार्ट हो। तो प्रॉब्लम क्या है कि
आइडियाज एग्जिस्ट विद इन आर इकोसिस्टम. आप अगर अपनी रोजमर्रा के प्रॉब्लम्स के ऊपर देखें तो एग्जिस्ट करते हैं, बट हम उसके ऊपर गौर नहीं करते. दूसरी बात क्या है कि द इंटरनेशनल कल्चर इज कि अगर कोई आइडिया लेकर आया तो पूरी गवर्नमेंट उसको सपोर्ट करती है कि यार ये किसी तरह सक्सेसफुल है. इफ इट इज सक्सेसफुल तो हमें इससे टैक्स मिलेगा. ठीक है, हमारा क्योंकि वहां पे डायरेक्ट जो है ना वो समझते हैं कि अगर ये ऊपर जाएगा और टैक्स ज्यादा बढ़ेगा तो फिर सारी कौम ऊपर जाएगी ना. अगर हर बिजनेस अच्छा टैक्स पे करना शुरू कर दे तो नतीजा यही निकलेगा ना कि जो है गवर्नमेंट के पास टैक्स ज्यादा आ जाएगा, वो वेलफेयर प्रोजेक्ट्स भी अच्छे कर सकेगी, वो गवर्नमेंट एम्प्लॉयज की तनख्वाहें भी बढ़ाएगी, यही होगा. हमारे यहाँ थोड़ा सा बोलता है, हमारे यहाँ ये है कि जैसे ही कोई बंदा कोई आइडिया कंसीव करता है तो पहली बात ये है कि जी इससे पहले कि ये सक्सेसफुल हो पहले तो इससे अपना हिस्सा डायरेक्ट पहले ही वसूल कर. दूसरी बात ये है कि जी मेक श्योर कि ये सक्सेसफुल ना हो, कि कभी भी सक्सेसफुल ना हो. दिस इज द डिफरेंस. ठीक है, आपको आज जो है ना वो अपनी कंपनी SECB में रजिस्टर करानी है, उनको वो करना हो, दुनिया में इट्स अ वन आवर जॉब. इंटरनेट के ऊपर आप बैठते हैं, आप अपने कुछ जो ना एड्रेस डालते हैं, अपना जो ना वो जो एक लाइसेंस जो ना वो डाल देते हैं या अपने जो भी वहां की आईडी है वो डालते हैं और बैंक का अकाउंट लिंक करते हैं, कंपनी खड़ी हो जाती है. दैट्स इट. यहाँ पे आपको जो ना कंसल्टेंट हायर किए बगैर आपसे ये काम ही नहीं हो सकता, और उसके बावजूद वो इतनी डिफिकल्ट किस्म की जो ना वो टर्म्स एंड कंडीशन आपको समझ नहीं आती कि ये क्या है. So, ease of doing business है ना बड़ी इंपॉर्टेंट चीज. So, Arduino platform जो है, this was released in 2005. और ये जो ना वो mega AVR controllers जो है ना, 8 bit वाले, ये उसके ऊपर बेस्ड करते हैं. So, अब आपको ये पिक्चर क्लियर होगी कि जी ATMEL क्या है, उसके अंदर AVR क्या है, उसके अंदर जो ना वो Arduino क्या है और Arduino के साथ ATMEGA का क्या रिलेशनशिप है. ठीक है, और इस सारे का PIC microcontrollers या microchip के साथ क्या. ये microchip is now the company जो कि PIC खुद बनाती थी, उन्होंने ATMEL को भी acquire कर लिया और दोनों line of products जो है वो चला रही. Now coming to CISC versus RISC. किसी ने ये सुना होगा पहले RISC और CISC? Microprocessor के course में अगर आप लोगों ने पढ़ा हुआ तो उसमें ये definitely आ. One is called the reduced instruction set computing. The other is called the complex instruction set computing. ठीक है जी? Okay. So दोनों में फर्क क्या है? Reduced instruction set जो है, वो कहता है कि small number of instructions, small number of simple instructions वो रखें और एक बड़ा complex operation जो भी आता है, उसको break down कर दें into small जना वो operations. तो आपका काम हो जाएगा. उसका फायदा क्या होगा कि सिंपल इंस्ट्रक्शंस के लिए हार्डवेयर भी सिंपल होगा. ठीक है, और उसकी परफॉर्मेंस भी प्रिडिक्टेबल होगी. आप यूं देखिए कि लेट्स सपोज आपको एक इवेंट ऑर्गेनाइज करने के लिए दिया गया. ठीक है जी, अच्छा इफ यू आर एन इवेंट ऑर्गेनाइजर, लेट्स से कि आप अपने किसी कजन की भाई की शादी ऑर्गेनाइज कर, आपके पास जो ना वो 20 डिफरेंट काम है जो कि करने. अब एक तरीका ये है कि आप एक बहुत हाई फाई किस्म का बड़ा जो ना वो रिसोर्सफुल आदमी पकड़े हो से कि यार ये सारे काम ना इस तरीके से करें, यू पे हिम यू गेट द जॉब. तरीका ये है. अच्छा, और वो फिर क्या करेगा, वो लेट्स से कि वो कोशिश ये करता है कि यार ये सारे काम मैं खुद कर लूं, मुझे कोई मसला नहीं है, किसी को कॉल करनी है, किसी से खुद जाके मिलना है वगैरह. दूसरा तरीका ये है कि आप 20 जॉब्स को देखते हैं कि अच्छा यार कॉल बुकिंग है, ठीक है ये मैं अपने इस कजन को देता हूँ, इसको ये काम आता है, उसके बाद फ्लावर अरेंजमेंट है वो इसको दे देता हूँ, मील है मील इसको दे देता हूँ. ठीक है जी, एड्रेस लेके आना, एड्रेस का ये हो जाएगा, गेस्ट की को जो ना वो कहीं पे ठहराना है उसका ये कर देगा. सो 20 छोटे कामों में आप जो ना वो उसको डिस्ट्रीब्यूट करके 20 लोगों को डिस्ट्रीब्यूट कर दे. व्हाट विल बी मोर एफिशिएंट? आप जो है वो हर बंदे को जो सिंपल सिंपल टास्क दे रहे हैं, एक तो ये कि उसकी परफॉर्मेंस इज प्रेडिक्टेबल, दूसरे इफ समथिंग गोज रॉन्ग तो एग्जैक्टली पता है कि व्हाट इज रॉन्ग तो उसको ठीक किया जा सके. ठीक है,
ऑन दी अदर हैंड वो जो एक बंदे को आप वो दे रहे हैं, इफ ही फेल्स तो ही फेल्स बिग टाइम, वो पता लगे कि वो पता चीज है, लेट्स से कि वो बीमार ही हो गया तो जो उसको 20 काम दिए थे वो 20 के 20 काम जरा हो गए। यहाँ पे ये कि 20 हो गए तो इट इज हार्ड टू इमेजिन कि ये 20 के 20 इकट्ठे बीमार हो जाएंगे, सो इट इज मोर एफिशिएंट, सो इट इज लाइक दैट। इंस्ट्रक्शन का फॉर्मेट इसी वजह से अच्छा। अब ये है कि जिसको एक बंदे को 20 जगह वो काम बताने हैं तो उसको बड़ी मुश्किल किस्म की इंस्ट्रक्शंस पास करनी पड़ेगी। ऑन दी अदर हैंड अगर 20 लोगों को बतानी है तो उनको एक एक सिंपल सिंपल इंस्ट्रक्शन पास करनी पड़ेगी, ठीक है जी। और हर हर एक के कामों के अंदर लेट्स से कि 5 सब टास्क होंगे, एवरी टास्क विल हैव 5 सब टास्क, ठीक है जी। जबकि जिसको एक को सारे बताए हैं उसको जो है ना वो आपको एक उसका जो इंस्ट्रक्शन सेट होगा वो हर टास्क से रिलेटेड जो है ना वो डिफरेंट जा रहा हो। सो नेसेसरीली फॉर दीज रीजन दिस मे नॉट बी एग्जैक्ट टेक्नोलॉजी बट टू सम एक्सटेंट इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट ये होता है कि RISC में जो है वो एक फिक्स लेंथ की इंस्ट्रक्शन होती है, CISC में कुछ इंस्ट्रक्शन का कोड जो है ना वो स्मॉलर था बाइनरी कोड, कुछ का लार्जर होता है। पाइपलाइन डिजाइन, पाइपलाइन क्या है? जब भी आपने कोई काम करना होता है तो आप एक सीक्वेंस ऑफ एक्शंस डिजाइन कर देते हैं, दैट्स कॉल्ड अ पाइपलाइन। सो कंप्यूटर के अंदर जब कोई काम होता है तो इट इज फेच डिकोड एग्जीक्यूट, जनरली 3 स्टेप्स में काम होता है, मेमोरी से इंस्ट्रक्शन फेच करो, डिकोड करो, एग्जीक्यूट करो, ठीक है जी। सो इसकी पाइपलाइन सिंपल है और प्रिडिक्टेबल है, इसी वजह से आप उसमें एक प्री फेच डाल सकते हैं कि एक तरफ से जरा वो फेच हो रहे ठीक है, एक और प्रोसेस है आप उसे स्टार्ट करते हैं वो प्री फेच में गया हुआ है, उससे आगे एक और प्रोसेस है वो डीकोड कर रहा है, उसके आगे एक जो है वो एग्जीक्यूट कर रहा है। सो एवरी साइकिल के ऊपर एक इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट हो जाता है क्योंकि पैरेलल चल रहा है। वजह क्या है? सिंपल इंस्ट्रक्शन है, आपको पता है कि फेच डीकोड एग्जीक्यूट ये सारी की सारी एक जो है वो क्लॉक साइकिल में पूरी हो जाती है। सिस्क में ऐसा नहीं होता, सिस्क में इट इज हार्ड टू प्रिडिक्ट ड्यू टू वेरियस डिपेंडेंसीज के जो ना वो कौन सी इंस्ट्रक्शन कितने साइकिल में एग्जीक्यूट होगी। सो वेरिएबल लेंथ ऑफ एग्जीक्यूशन दैट इज ऑल्सो प्रॉब्लम। मेमोरी एक्सेस जो है इसमें फर्क ये है कि RISC जो है वो सिंपली क्या करता है कि मेमोरी से अगर कोई ऑपरेशन करना है तो टोटल 2 इंस्ट्रक्शन है, लोड एंड स्टोर। मेमोरी में डालना है स्टोर, मेमोरी से निकालना है लोड, और वहां से अगर किसी चीज पे ऑपरेशन करना है तो लाओ पहले इंटरनल रजिस्टर्स में रखो और फिर वहां से ऑपरेट करो। CISC जो है वो आपको ज्यादा कॉम्प्लेक्स इंस्ट्रक्शंस देता है, दिस इज एन एडवांटेज बट ऑब्वियसली इट हैज अ कॉस्ट। एडवांटेज क्या है कि मेमोरी से डायरेक्टली आप फेच करके और उसके ऊपर ऑपरेट करके फिर मेमोरी में स्टोर कर सकते, सो लोड स्टोर के अलावा भी और इंस्ट्रक्शंस होती है। Performance and optimization की है कि जी RISC is designed for executing instructions in a small number of clock cycles. Usually, इसकी pipeline ऐसी होती है कि 1 execution per clock cycle. CISC में it may require more clock cycles. जो ज़्यादा complex instructions होती हैं, they may need more clock cycles. Code density क्या है कि जी it requires more instructions to perform a task. Naturally, हमने कहा कि RISC जो है, it has स्मॉलर नंबर ऑफ instructions, तो जब एक बड़ा काम आता है तो उसको बहुत सारे छोटे छोटे कामों में ब्रेक करना। CISC हो सकता है कि वो एक काम एक से करके ले। फॉर एग्जाम्पल अगर आप लोगों ने डेटा स्ट्रक्चर पढ़ा हुआ है तो किसी जमाने में लिंक लिस्ट क्रिएट करना सी के अंदर वो एक खुद से एक बड़ा जॉब हुआ करता। आज अगर आपने लिस्ट क्रिएट करनी है तो पाइथन के अंदर फॉर एग्जाम्पल लिस्ट क्रिएट करने के लिए आपने क्या करना है, आपने सिंपल 2 जो ना वो स्क्वायर ब्रैकेट्स देनी है, उसके अंदर जो ना वो कॉमा सेपरेटेड जो भी डालेंगे लिस्ट बन जाएगी, ठीक है। एम्प्टी करनी है तो जो ना वो एम्प्टी जो ना वो स्क्वायर ब्रैकेट्स डाल दें, इंस्टेंशिएट हो जाएगी, ऑटोमेटिकली हो जाएगी, टाइप भी डिफाइन नहीं करनी पड़ेगी। सो क्या है कि जो ना वो वहां पे लिस्ट बनाने के लिए पहले पूरा एक लिस्ट का डेटा स्ट्रक्चर क्रिएट करो फिर यूज करना शुरू करो, बड़ा कोड लिखना पड़ता था। अब क्या है कि अब आप एक ही लिखते हैं बस, वो लिस्ट का कीवर्ड यूज किया तब भी ना वो आपका काम हो गया, इंस्टेंशिएट हो जाता है, ठीक है। सो RISC में प्रोग्राम जो है वो इज बिगर लार्जर इन साइज, ठीक है। CISC में प्रोग्राम इज स्मॉलर। अच्छा, नाउ वी टॉक अबाउट वेरियस फीचर्स ऑफ ATMEGA जो कि इसकी जो है ना वो
डेटा शीट से लिए गए हैं, आई विल नॉट गो इन टू डिटेल, ग्राफली जो है ना वो मैं मोटी बात करूंगा, ठीक है जी। तो एडवांस रिस्क आर्किटेक्चर है तो 131 पावरफुल इंस्ट्रक्शंस, ठीक है जी। सिंगल साइकिल, मोस्ट सिंगल साइकिल क्लॉक एग्जीक्यूशन, ठीक है जी। 32 8 बिट रजिस्टर्स, ठीक है जी, नहीं 32 32 के जो है वो 8 बिट वर्किंग रजिस्टर्स है। फुल स्टैटिक ऑपरेशन, 20 MIPS थ्रू आउट, 20 MHz, 1 MHz इज 1 MIPS, ठीक है। अच्छा, उसके बाद हाई एंड्योरेंस श्योरेंस आगे चल के भी आ जाएगा, 32 किलोबाइट्स ऑफ इन सिस्टम सेल्फ प्रोग्रामेबल फ्लैश है, 1 किलोबाइट ऑफ EEPROM है जो डेटा स्टोर के लिए आगे आएगा, ठीक है। फ्लैश को आप 100,000 टाइम्स जो है ना वो राइट रीड राइट ऑपरेशन कर सकते हैं, ठीक है जी। और डेटा रिटेंशन 20 ईयर्स तक, अगर आप इसमें एक दफा कुछ डेटा डाल देते हैं, प्रोग्राम डाल देते हैं, तो 20 ईयर्स तक एट 85 डिग्री सेंटीग्रेड ये कर सकते हैं। उसके बाद और फीचर्स, 8 बिट टाइमर्स हैं, 16 बिट टाइमर है, PWM चैनल्स हैं, ठीक है जी, ADCs है, ठीक है जी। उसके बाद SPI पोर्ट है, USART है, ठीक है, वॉच लॉक टाइमर है, ये वो सारी चीजें जो कि हमने इसके पेरिफेरल्स में पढ़नी, विल डिस्कस, ठीक है। स्पेशल कुछ जो है वो फीचर है, पावर ऑन रीसेट एंड प्रोग्रामेबल ब्राउनआउट डिटेक्शन। ब्राउनआउट डिटेक्शन एक चीज होती है, जिस तरह वॉच लॉक टाइमर और ब्राउनआउट डिटेक्शन, ये जो है वो फीचर्स होते हैं। उसके बाद इंटरनल कैलिब्रेटेड ऑसिलेटर है, आप बाहर एक एक्सटर्नल ऑसिलेटर लगाते हैं, लेकिन एक वो इंटरनल ऑसिलेटर जो है ना भी यूज होता है इसका। इंटरप्ट्स है, ठीक है जी। ऑपरेटिंग वोल्टेज 1.8 से 5.5 वोल्ट तक ऑपरेट करता है, -40 से 105 डिग्री सेंटीग्रेड तक ये ऑपरेट करता है, ठीक है। स्पीड जो है ना वो, अगर आप 1.8 से 5.5 वोल्ट तक इसको जो ना वो ऑपरेट करते हैं तो ये 0 to 4 मेगाहर्ट्ज, 2.7 से 5.5 वोल्ट तक ऑपरेट करते हैं 10 मेगाहर्ट्ज और 20 मेगाहर्ट्ज, यानी कि रफली अगर आप 5 वोल्ट पे ऑपरेट करेंगे तो ये जो है वो 20 मेगाहर्ट्ज के ऊपर ऑपरेट करेगा। पावर कंजम्पशन बड़ी मिनिमल सी है, 32 किलोहर्ट्ज की एक रियल टाइम क्लॉक इंटरनल जो है वो यूज होती है, जो कि क्लॉक ग्राफ के ऑपरेशंस को यूज करना चाहते हैं तो वो यूज होती है। सो दिस इज वेरी ब्रॉड, ब्रॉडेस्ट सेंस में जस्ट द इंट्रोडक्शन टू दिस माइक्रोप्रोसेसर। इसमें अभी हमने कोई डिटेल आर्किटेक्चर की डिटेल डिस्कस नहीं की, सिर्फ उसके नाम के साथ जो मोटे फीचर्स आते हैं ना उनका मतलब देखा कि वो क्या है, ठीक है जी। ओके, लेट्स मूव ऑन, नाउ वी टॉक अबाउट AVR आर्किटेक्चर। तो अगर मैं ब्रॉड आपको आर्किटेक्चर दिखाऊं ना, तो दिस इज हाउ AVR लुक्स लाइक। अगर आप इसकी डेटा शीट खोलेंगे, ठीक है, रिमेंबर कि जब भी आपने माइक्रो कंट्रोलर या कोई भी IC यूज करनी है तो आपने उसकी डेटा शीट जो है जरूर कंसल्ट, उसके बगैर आपको समझ नहीं आ रही, ठीक है। ओके, तो अगर आप इसमें गौर करें तो क्या क्या चीजें लगी हुई हैं। सबसे पहले तो ये कह रहा है कि इसके पास में ये एक अदर CPU है। CPU itself means certain registers and ALU, registers and ALU, that's it, या कैश, यानी जो क्लासिकल सेंस में आपके कंप्यूटर में भी जो माइक्रो प्रोसेसर लगा होता है वो यही होता है, बाकी सब जो है ना वो पेरिफेरल्स हैं जो कि इसके साथ जो होती है, यानी उसमें भी रैम लगा होती है, उसके अंदर हार्ड डिस्क लगा होती है, उसके अंदर साउंड कार्ड लगा होता है, नेटवर्क कार्ड लगा होता है, ऑल थिंग्स आर सेम। इसके साथ साथ क्या है, अगर आप गौर करें तो यहाँ पे जो ना ये एक डेटा बस है जो कि तमाम जो ना इन चीजों को आपस में कनेक्ट कर, ठीक है जी। इधर जो ना ये एक रैम है, स्टैटिक रैम, ठीक है जी। उसके बाद ये स्टैटिक रैम और डायनेमिक रैम क्या होती है, ये जो ना वो ये कॉन्सेप्ट आप जो ना वो इलेक्ट्रॉनिक्स में पढ़ते हैं, यहाँ पे हमें इसकी डिटेल में जाने की जरूरत नहीं, ठीक है। अच्छा, अब ये देखें कि जी IO की डेटा बस, एक्सटर्नल वर्ल्ड से जो बातचीत करनी है उसकी भी एक अलग डेटा बस है, और उसमें क्या क्या है, IO पोर्ट्स, ठीक है जी, GPIO, ठीक है जी, SPI,
टीसी आई थिंक टाइमर एंड काउंटर, टाइमर एंड काउंटर वाले, ठीक है जी, और एनालॉग, ये सारे यहाँ पे आ गए। अब ये किस किस से बात करते हैं, ये सीपीयू से भी बात करते हैं और ये डबल ई प्रॉम से भी बात करते हैं। डबल ई प्रॉम का एक इंटरफेस है, डबल ई प्रॉम वो है, लेट्स से कि मैंने कुछ डेटा ऐसा है जिसको फिक्स वहां पे रखना ही रखना है। फॉर एग्जाम्पल, मैं आपको पता है कि जब जैसे मैं क्रिप्टोग्राफी में काम किया था तो बहुत सारी चीजें लुकअप टेबल होती है, लुकअप टेबल से देखते हैं और एग्जीक्यूट करते हैं, तो वो टेबल कहीं भी स्टोर करने हैं और वो हमेशा जो है ना एक बस वो फिक्स रहने हैं, एक दफा आपने कर दिए तो कर दिए, अपडेट भी करने पड़ सकते हैं, बट जनरली तो इस तरह का फिक्स टाइप का डेटा जो है ना उसको रखने के लिए इसके अंदर एक डबल ई प्रॉम अलग से रखी होती है। तो ये जो फ्लैश है, फ्लैश ये ना वो प्रोग्राम को स्टोर करने के लिए, एस रैम वो रैम जिसमें के ऑपरेशन परफॉर्म हो रहे होते हैं, यानी प्रोग्राम जो फ्लैश से उठ के रैम में लोड होता है, रैम से आगे एग्जीक्यूट होता है। सो फ्लैश इज इक्वल टू योर हार्ड डिस्क ऑफ द कंप्यूटर, एस रैम इज इक्वल टू योर रैम, ठीक है। डबल ई प्रॉम जो ना वो आपका डेटा जहां पे आपने स्टोर करना है, ये आप यूं समझ सकते हैं कि आपने जो एक एक्सटर्नल हार्ड डिस्क रखी हुई होती है ना, कि यार लॉन्ग टर्म डेटा जो ना बस मैंने एक जगह डाल दिया, ये यहीं पे पड़ा रहे, वो आप एक्सटर्नल हार्ड डिस्क प्रोडक्ट। अच्छा, उसके बाद यहाँ पे अगर आप देखें तो जी यूएसआरटी, यूनिवर्सल सिंक्रोनस एसिंक्रोनस रिसीवर ट्रांसमीटर, सीरियल पोर्ट जैसे कहते हैं, उसकी जो ना वो पिन आ गई, ठीक है जी। टू वायर इंटरफेस आ गया, ठीक है जी। टाइमर एंड काउंटर वो जीरो था, ये वन हो गया, ये टू हो गया। एडीसी, ठीक है जी। वॉच डॉग टाइमर क्या करता है, ये आप लोग पढ़ के आइएगा, हम नेक्स्ट 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 लेक्चर में डिस्कस करेंगे, ठीक है जी। पावर वाला एक पूरा सेक्शन है, ठीक है जी। यहां पे देखें कि क्लॉक का एक पूरा सेक्शन है। अब आप एक्सटर्नल क्रिस्टल ऑसिलेटर लगाते हैं, बट इंटरनली जो जिस क्लॉक के ऊपर आपका सिस्टम काम करता है, दैट क्लॉक इज जनरेटेड बाय दिस क्लॉक जनरेशन सेक्शन। इसके अंदर ये रियल टाइम क्लॉक है, ये जो 32.768 है ना, इस फ्रीक्वेंसी समहाउ, मैं इसकी रीजन नेक्स्ट लेक्चर में शायद आपको बताऊंगा, मैंने गौर नहीं किया इसके ऊपर, बट जितनी रियल टाइम क्लॉक्स है ना वो इस फ्रीक्वेंसी के ऊपर काम करते हैं। क्यों करते हैं ये मुझे नहीं जरा वो अभी पता, 32.768 किलोहर्ट्ज़, इसको जरा हम देख लें, ठीक है जी। सो अब ये एक्सटर्नल क्लॉक 8 मेगाहर्ट्ज़ कैलिब्रेशन का जो ना, ये कैलिब्रेटेड आरसी सर्किट इसके अंदर लगा हुआ है। 16 मेगाहर्ट्ज़ का लो पावर क्रिस्टल ऑसिलेटर, 128 किलोहर्ट्ज़ का इंटरनल जो ना वो ऑसिलेटर। सो अब आपके पास एक जो ना वो एक एक जो ना वो आपने पावर मैनेजमेंट और क्लॉक कंट्रोल का एक जो ना वो पोर्शन है, जिसके थ्रू आप मैनेज करते हैं कि अच्छा जी क्लॉक कौन सी यूज करनी है, ठीक है, पावर मैनेजमेंट कैसे करनी है। सो ये हम आगे चल के इसको देखेंगे। अच्छा जी, दैट्स इट। अच्छा, अब हम इसको जो ना पोर्शन बाय पोर्शन देखते जाते हैं। सो दिस इज अगेन अनदर डायग्राम बट ऑफ द सेम थिंग, ठीक है, एक डिफरेंट पर्सपेक्टिव से बनी हुई है, जरा जो ना डिस्कस कर दिया सब। तो पहला पोर्शन क्या है ये ना वो क्लॉक्स एंड पावर, और मैंने ये लिखा हुआ है कि दिस इज बियॉन्ड द स्कोप ऑफ दीज लेक्चर्स। तो इसमें हम करेंगे ये कि क्लॉक और पावर को यूज जो ना वो कैसे किया जाता है, इस सब का काम जो ना वो थोड़ा सा एक इसको देखेंगे, लेकिन हम डिटेल में इसके इंटरनल आर्किटेक्चर को डिटेल में डिस्कस नहीं करेंगे। हाँ, वॉच डॉग टाइमर जरूर देखेंगे कि ये क्या है, पावर ऑन रीसेट देखेंगे क्या है, ब्राउन आउट डिटेक्ट एंड रीसेट देखेंगे क्या है, ठीक है। सो ये चीज आप अगर नेक्स्ट टाइम जो है ना वो देख के आए, WTD विच इज वॉच डॉग टाइमर, पावर ऑन रीसेट, ठीक है जी, और ओब्लिक ब्राउन आउट डिटेक्ट, ये चीजें जो है ना वो आप देख कर आए तो यूजफुल होगी। वॉच डॉग टाइमर, WDT, सॉरी, वॉच डॉग टाइमर। अच्छा
अच्छा अब AVR का जो आर्किटेक्चर है इट इज हार्वर्ड आर्किटेक्चर, इसको जरा आगे चल के देखते हैं कि हार्वर्ड आर्किटेक्चर का क्या मतलब है, लेकिन ये मेमोरी से रिलेटेड है। सो इसके अंदर जो प्रोग्राम मेमोरी जो हम स्पेसिफिकली पढ़ रहे हैं 328P, सो उसके अंदर 32 KB की जो ना वो प्रोग्राम मेमोरी है। इतना बड़ा प्रोग्राम आप उसके अंदर डाल सकते हैं, इससे ज्यादा बड़ा नहीं डाल सकते। रैम 2 KB, ठीक है जी, 2048 bytes, डबल ई प्रॉम जो है ना वो लॉन्ग टर्म डेटा और उसके जो है ना वो IO डेटा बस के, ये यू, ठीक है जी। अच्छा अब ये चीज आप देखें कि यहाँ पे लिखा हुआ है ISP, इन सिस्टम प्रोग्रामिंग कहते हैं इसको, ठीक है। सो दिस इज कॉल्ड इन सिस्टम प्रोग्रामिंग और इन सर्किट सीरियल प्रोग्रामिंग, दो चीज, दो तरीके से इसको लिखा जाता है, ISP या ICSP, मतलब दोनों का एक ही है। सो जब आप चाहते हैं कि आपने लेट्स से कि एक बड़े सिस्टम के अंदर माइक्रो कंट्रोलर लगा दिया, अब एक तरीका तो उसको आपने प्रोग्राम को अपग्रेड करना है, एक तरीका तो ये है कि उतारे उसका एक स्पेशल टाइप का प्रोग्रामर होता है उसमें लगाए प्रोग्राम करे और फिर जाना वो कर। लेकिन सपोज कि अगर ये माइक्रो कंट्रोलर किसी जहाज के इंटरनल पुर्जे में दूर करके कहीं अंदर लगा हुआ है, तो उस तक पहुंचने के लिए आपको पहले तो उधर तक कैसे पहुंचेंगे, उसकी बजाय अगर आपने उसकी जो आपके पास ये एबिलिटी हो के वहीं पे लगे लगे प्रोग्राम हो जाए, तो जो उसकी प्रोग्रामिंग वाली वायर्स है वो आप एक्सटेंड करके बाहर तक ले आए किसी इंटरफेस तक, तो आप उस इंटरफेस पे लगाते हैं और वो सिस्टम प्रोग्राम हो जाएगा। सो इन सिस्टम प्रोग्रामिंग या इन सर्किट सीरियल प्रोग्रामिंग का आइडिया ये है कि जिस सिस्टम में ये चीज लगी हुई है वहां पे आपको इसको फिजिकली उतारने की जरूरत ना पड़े, उधर लगे लगे आप इसको प्रोग्राम कर। सो मेमोरी की बात हो गई है, डबली प्रॉम इसके अंदर, सॉरी मैंने नहीं बताया था, 1 KB की जना वो, ठीक है, बाकी सारी चीजें डिस्कस हो गई है। हाँ, इलेक्ट्रिकली इरेजेबल, प्रोग्रामेबल, रीड ऑनली, इरेजेबल एंड प्रोग्रामेबल, इसीलिए इसको पहले ई प्रॉम होती थी, इरेजेबल, प्रोग्रामेबल, रीड ऑनली मेमोरी, ठीक है जी, वो अल्ट्रावायलेट रेस से होती थी। तो जब ये इलेक्ट्रिकली इरेजेबल आना शुरू हुई तो इस फिर आप जो है वो डबल ई प्रॉम। अब हम AVR CPU के आर्किटेक्चर को भी जो है वो जरा देखते हैं। अच्छा ये जो पूरा कोर्स है ना ये है एक्चुअली एम्बेडेड सिस्टम्स का, यही है कि जी AVR का अपना आर्किटेक्चर क्या है, फिर उसके बाद उसके पेरिफेरल्स का आर्किटेक्चर क्या है, उनको कैसे यूज किया जाता है। अगर मैं आपको उसके पेरिफेरल्स यूज करके बता दूं कि ये इस तरीके से, आपको आर्किटेक्चर पता हो, आपको पता हो ये कैसे यूज होते हैं, और आपको 2-4 एक्सरसाइजेस के थ्रू जो है वो ये सिखा दिया जाए कि ये जो है वो कैसे इस्तेमाल किया जाएगा, तो उसके बाद यू शुड बी एबल टू फिगर आउट कि जो है वो और कहीं भी किसी सिचुएशन में यूज होगा तो कैसे होगा, ठीक है जी। तो ये लेफ्ट साइड के ऊपर जो है ये सिर्फ CPU का आर्किटेक्चर दिया हुआ, सिर्फ CPU का। और अगर आप देखें तो इसमें क्या है, यहाँ पे जो है वो आपके पास रजिस्टर्स, ये मक्सेस, मक्स दिस इज द सिंबल फॉर मक्स, मल्टीप्लेक्स है जो मल्टीपल इनपुट्स देता है लेकिन जो है सिलेक्ट करता है कि उनमें से कौन सी इनपुट आगे आउटपुट पे जाएगी, डिजिटल लॉजिक में ये पढ़ा हुआ। तो आप ये देखिए कि इसके अंदर क्या क्या जो है वो शामिल है, रजिस्टर्स है, ठीक है, इधर से ये फ्लैश प्रोग्राम मेमोरी से उठ के इसमें आ रहा है, ये इंस्ट्रक्शन रजिस्टर में जाता है, इंस्ट्रक्शन डीकोड होती है, ये डीकोड होके इधर आ गई, इधर से जो है वो फैच होके डेटा आ गया, यहाँ पे भी जो है वो इधर से फैच होके डेटा आ गया, ठीक है, और उसके बाद जो है ये ALU में गया, प्रोसेस हुआ यहाँ पे, ठीक है जी। ALU में प्रोसेस होने के बाद स्टेटस रजिस्टर जो है उसको अपडेट किया जाता है, ठीक है, और उसके बाद अगर कहीं पे कोई जंप इंस्ट्रक्शन आ गई थी तो स्टैक पॉइंटर को जो है वो डेटा मेमोरी में जाके फिर जो है वो स्टैक जो है वो बिल्ड किया जाता है। सो अगर आपको माइक्रो प्रोसेसर का जो है वो याद हो तो वहां पे एक ही मेमोरी होती होती थी जिसके 4 सेगमेंट होते होते, ठीक है जी, इट वॉज जो है वो स्टैक सेगमेंट, कोड सेगमेंट, डेटा सेगमेंट और एक्स्ट्रा सेगमेंट, ठीक है जी, ये मुझे याद है 8086 के प्रोसेसर में ये हुआ करते थे। सो स्टैक का आपको मतलब मकसद जो है ना वो पता है, स्टैक इज बेसिकली फर्स्ट इन लास्ट आउट या लास्ट इन फर्स्ट आउट, लीफो आर्किटेक्चर,
दो आर्किटेक्चर है ना, फीफो फर्स्ट इन फर्स्ट आउट एंड दूसरा इज लीफो लास्ट इन फर्स्ट आउट। सो इसकी एग्जाम्पल हम जो है वो लेते होते थे डिश वॉशर की तरह से, ठीक है जी। या जब आप जो है वो घर में प्लेटें स्टैक करके रख देते हैं तो सबसे पहले कौन सी निकालते हैं, जो लास्ट में रखी होती है सबसे पहले आप उसको रिट्रीव कर सकते हैं, ठीक है। सो स्टैक बेसिकली कहाँ पे यूज होता है कि जब आपने जो है ना वो कोई कंडीशनल जो है ना वो एग्जीक्यूशन करनी होती है, ठीक है, जंप इंस्ट्रक्शन देनी होती है, या आपने लेट से कि अगर सादे अल्फाज में कहूं कि आप अपने प्रोग्राम में एक जगह के ऊपर थे और कुछ काम कर रहे थे, वहां पे आपने एक लिखी स्टेटमेंट इफ जो है ना वो दिस कंडीशन जो है ना वो इज ट्रू तो फिर जंप टू फलाना प्लेस यानी डू दिस एल्स डू दिस। तो अब वो डिपेंडिंग अपॉन द वैल्यू ऑफ दैट कंडीशन वो कोड एग्जीक्यूट करेगा, ठीक है जी। तो अगर उसने किसी जो है ना वो और फंक्शन में जाके जंप करना है, किसी और फंक्शन को कॉल करना है, तो वो जो अभी एग्जीक्यूट कर रहा था पहले उस सारी स्टेटस को अपना जो भी जो काम वो कर रहा था उसको पहले पुश करना पड़ेगा ऑन टू द स्टैक, उसके बाद वो उस फंक्शन में जंप करेगा, वो वाला काम करेगा, वापस आएगा और वहीं से काम रिज्यूम करेगा जहां से कि उसने जो है ना वो छोड़ा था। इसकी एग्जाम्पल मैं ऐसे दिया करता होता हूँ कि सपोज आप अपने घर में बैठे हुए अपना जो है ना वो एम्बेडेड सिस्टम्स के कोर्स की प्रेपरेशन का, सडनली योर यंगर ब्रदर कम्स एंड आस्क्स जी मुझे जरा ये जो है ना अलजेब्रा का ये सवाल जो है ना वो समझा दे, तो आप क्या कहेंगे कि यार एक सेकेंड मैं ये कर रहा हूं सो लेट मी रीच अ पॉइंट। तो आप एक लॉजिकल डिविजन वाले पॉइंट तक पहुंचते हैं कि जो कर रहे थे ठीक है वो शॉर्ट्स एग्जीक्यूट एग्जीक्यूशन कंप्लीट करते हैं जो करंट जो 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 चीज कर रहे थे, उसके बाद अपना जो है ना वो रजिस्टर तय किया, किताब के अंदर जो है ना वो आपने उस जगह के ऊपर जो है ना एक फ्लैग लगाया कि यहां पे मैं पढ़ रहा था, या पेज फोल्ड किया और बंद कर दिया। एक मेंटल कॉन्टेक्स्ट भी होता है, उस मेंटल कॉन्टेक्स्ट को भी जो है ना वो जेन पे सोच दिया कि अच्छा यहां तक मैंने जो है वो पढ़ा था। उसके बाद यू स्विच टू हिज टास्क, आप उसको उस काम पूरा करते हैं, वो जब आपका भाई जो है ना वो अलजेब्रा का सवाल आपसे सीख के रुखसत हो जाता है तो उसके बाद आप दोबारा से वापस रिट्रीवल करते हैं। रिट्रीवल क्या करते हैं, किताब को खोलते हैं उसी पॉइंट से, अपने जेन में सोचते हैं अच्छा कहां पे मैं जो है ना वो था, वहीं से दोबारा से एग्जीक्यूशन स्टार्ट करते हैं। सो दिस इज लाइक अ स्टैक ऑपरेशन कि जब आपको कोई काम अपना मेन काम करते हुए अचानक से कुछ और जब वो करना पड़ता है तो यू सेव द कॉन्टेक्स्ट, push everything जो that you were doing onto the stack, do that job, come back, restore the context and start working. तो ये जो context जिस point पे आप store करते हैं that is called the stack. ठीक है जी। So ये internal architecture है। इसके internal architecture में क्या-क्या चीजें important है जी? ये चीजें। Number one इसके internal registers, ये जो इसके मकसद हैं, इसका program counter, instruction register, ठीक है जी, स्टैक पॉइंटर, स्टेटस रजिस्टर एंड ALU। ये जो डेटा मेमोरी और फ्लैश मेमोरी है ये पार्ट ऑफ द सीपीयू नहीं है, ये हम देख के आए हैं कि ये अलग से पड़ी हुई है। ये देखिए कि ये AVR का सीपीयू है और ये जो SRAM, फ्लैश और जो EEPROM है ये जो ना वो अलग से बाहर पड़ी, ये इसके अंदर, ठीक है जी। अच्छा अब हम चलते हैं आगे, एक स्लाइड जो शायद थोड़ा सा आगे पीछे होगी, मे भी हमें पीछे डिस्कस करनी चाहिए थी कि हार्वर्ड आर्किटेक्चर क्या है। देयर आर टू टाइप्स ऑफ आर्किटेक्चर्स विद रिगार्ड्स टू द मेमोरी, वन इज कॉल्ड द वॉन न्यूमैन आर्किटेक्चर, द अदर इज कॉल्ड द हार्वर्ड आर्किटेक्चर, ठीक है जी। सो व्हाट इज हार्वर्ड आर्किटेक्चर, बेसिकली वॉन न्यूमैन आर्किटेक्चर ये कहता है कि जो मेमोरी है आपकी प्रोग्राम मेमोरी और रैम वो एक ही है और उसको एक्सेस करने के लिए डेटा बस जो है ना वो एक ही है, ठीक है जी। प्रोग्राम मेमोरी और जो रैम है यानी फ्लैश और रैम एक ही मेमोरी है और उसको एक्सेस करने के लिए जो है ना वो डेटा बस एक ही है, यानी उसी एक मेमोरी के दो पोर्शंस आप समझ लेंगे जिसमें एक रैम है और एक रॉम है प्रोग्राम वाली, और आप जो है ना वो डेटा बस
एक ही के ऊपर कर रहे हैं, तो ऑब्वियसली इसकी परफॉर्मेंस जो है वो स्लो होगी। अगर आपने रैम एक्सेस करनी है तो आप जो ना वो रॉम एक्सेस नहीं कर सकते, एक वक्त में एक ही एक्सेस कर सकते हैं। ऑन द अदर हैंड हार्वर्ड आर्किटेक्चर जो है वो यह कहता है कि मेमोरी यूनिट इज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स फॉर इंडिविजुअली स्टोरिंग डेटा एंड इंस्ट्रक्शंस। ठीक है जी, सो डेटा मेमोरी जो है ना या रैम जिसे हम कह रहे हैं ये अलहदा है, और प्रोग्राम मेमोरी ये अलहदा है। ठीक है जी, सो ये और दोनों के साथ इंडिविजुअली ये डेटाबेस पे कनेक्टेड है। सो दैट इज द रीजन कि ये साइमल्टेनियसली इसको भी एक्सेस कर सकते हैं और इसको भी एक्सेस कर सकते हैं। सो इट इज द हार्वर्ड आर्किटेक्चर। इसके अलावा एक और आर्किटेक्चर भी है जिसे प्रिंसटन आर्किटेक्चर, बट यहां पर हम वो डिस्कस नहीं कर रहे। ज्यादा पॉपुलर जो है वो ये दो ही है। अगर आप यहां भी गौर करें तो ये देखिए कि रैम और फ्लैश इन दो ये दोनों जो है वो अलहदा बस के ऊपर अलहदा मेमरीज है, अलहदा बस के ऊपर जो है वो सीपीयू से कनेक्टेड। ऑब्वियसली वॉन न्यूमन आर्किटेक्चर जो है वो इज चीपर बिकॉज सिलिकॉन कम यूज होती है ना, आपने बस क्रिएट करनी है तो यू नीड मोर पैराफेरेनलिया, बट जो है परफॉर्मेंस फिर उसकी जो है वो लो होती है। हार्वर्ड जो है वो इज सिंपलर एंड परफॉर्मेंस जो है वो इज बेटर। अच्छा जी, अब हमें ये पता है कि इंस्ट्रक्शन जो भी सीपीयू आपका होता है, सीपीयू के अंदर इंस्ट्रक्शंस जो है वो एग्जीक्यूट होती है, और एग्जीक्यूट किस तरीके से होती है, फेच डिकोड एंड एग्जीक्यूट, ये तीन ही जो है वो प्रोसेस। तो इंस्ट्रक्शन फेच एंड एग्जीक्यूट जो है डिकोड कहाँ पे हो रही होती है, सो बेसिकली कौन सी इंस्ट्रक्शन फेच होनी है ये चीज का ख्याल रखता है एक रजिस्टर जैसे कि हम कहते हैं प्रोग्राम काउंटर। ठीक है, अच्छा, तो ये वो रजिस्टर है जो कि इस चीज का ख्याल रखता है कि अब नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन कौन सी एग्जीक्यूट होनी है। इट इज अ सॉर्ट ऑफ पॉइंटर या इट इज एन एड्रेस। इसके अंदर सिर्फ एड्रेस पड़ा हुआ होता है कि रैम की कौन सी लोकेशन के ऊपर अब वो इंस्ट्रक्शन पड़ी है जो कि नेक्स्ट एग्जीक्यूट होगी। यूजुअली इंस्ट्रक्शन जो है ना वो एग्जीक्यूट होती है सीक्वेंशियली। ठीक है जी, बट समटाइम्स क्या होता है कि जिस तरह मैंने कहा कि कंडीशनल स्टेटमेंट्स के नतीजे में वो जो ना वो आउट ऑफ टर्न या आउट ऑफ सीक्वेंस भी एग्जीक्यूट हो जाती है। सो प्रोग्राम काउंटर जो है ना इसके अंदर वो इंस्ट्रक्शन का एड्रेस पड़ा हुआ होता है जिसने कि अभी एग्जीक्यूट। ठीक है जी, अच्छा, प्रोग्राम काउंटर जो है वो आपका किस किस से रिलेटेड जो है ना वो जुड़ा हुआ है। प्रोग्राम काउंटर आपका फ्लैश मेमोरी से जुड़ा हुआ है यहाँ पे। ठीक है जी, फ्लैश मेमोरी के अंदर ये पॉइंट कर रहा है कि अच्छा जी ये वाली जो है ना वो अब नेक्स्ट जो है ना वो हमारी एग्जीक्यूट होनी है इंस्ट्रक्शन। वहां से जो है ना वो इंस्ट्रक्शन जाती है इंस्ट्रक्शन रजिस्टर में, इंस्ट्रक्शन रजिस्टर से वो जाती है इंस्ट्रक्शन डिकोडर के। ठीक है जी, और इंस्ट्रक्शन डिकोडर के से जो है ना वो इसकी आउटपुट होती है कंट्रोल लाइन्स, और यहां से आप देखें कि ये इंस्ट्रक्शन फिर जो है ना वो इधर चली जाती है रजिस्टर्स में। ठीक है जी, और उसके साथ जो है ना वो यहाँ पे ये इधर भी जो है ना वो डायरेक्ट एड्रेसिंग के लिए रैम के अंदर भी चली जाती है कि अगर रैम से कोई चीज जो है ना वो उठा के लानी है, डेटा जो है ना वो पड़ा हुआ है वो वहां से उठा के लाना है, तो वो सो आपकी इंस्ट्रक्शन आ रही है इधर से, वो इंस्ट्रक्शन रजिस्टर में जाती है। ठीक है जी, इंस्ट्रक्शन रजिस्टर से जो है ना वो अगर इंस्ट्रक्शन के अपने अंदर पता है कि जी कौन सा आपने जो ना वो 32 बिट का जो ना वो सॉरी कौन सा जनरल पर्पस रजिस्टर आपने जो ना वो यूज करना है, तो वो इधर जो ना वो उस रजिस्टर पे आ जाती है। ठीक है जी, सो दैट उसका डेटा यहाँ पे जो ना वो आ जाए। ठीक है जी, और अगर जो ना वो कोई चीज ऐसी है, ये आप देखें कि इसके अंदर यहाँ पे ये नीचे SRAM के अंदर भी है कि यहां से अगर कोई डेटा जो ना वो एग्जीक्यूट होना है तो फिर वो जाना वो इधर भी आ जाती है, सो दैट वो जाए इस बस के ऊपर, इस बस के थ्रू फिर रजिस्टर्स और रजिस्टर के थ्रू फिर ALU में चले, और फिर ALU जो है उसके अंदर रिजल्ट बनेगा, और रिजल्ट बनने के बाद फिर बस के ऊपर प्लेस कर दिया। आप डिपेंड करता है कि ये रिजल्ट पेरिफेरल पे भेजना है, ये इस मेमोरी में भेजना है। ठीक है जी, ये वापस रजिस्टर को भेजना है, ये स्टेटस एंड कंट्रोल रजिस्टर को दे भेजना है। ठीक है जी,
या इससे जो ना ये फिर इस बस के ऊपर आ जाता है, और डेटा बस के साथ फिर जो ना वो एक कंट्रोल लाइंस और एड्रेस बस जो ना ये डिटरमिन करते हैं कि अल्टीमेटली ये डेटा जो है वो किसके लिए है। ठीक है जी, लेट्स से कि वो कहते हैं कि जो ना वो वॉच डॉग टाइमर के ऊपर जो ना वो भेज दो, तो वो वॉच डॉग टाइमर का एड्रेस विल बी ऑन द एड्रेस बस, और डेटा जो है ना वो डेटा बस सबके दरमियान में कॉमन है, तो जिसका एड्रेस मैच होगा उसके पास जो है ना ये चीज चली जाएगी। ठीक है जी। जी अच्छा, ये अभी मैंने ये जो इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूशन है ये मैंने बड़े ब्रॉड सेंस में आपको ये ना वो बताइए, अभी ये दिस इज नॉट द डिटेल। डिटेल फिर जो है ना वो हम इससे जब नेक्स्ट में जो है ना उसको डिस्कस करेंगे तो फिर हम एग्जैक्टली देखेंगे कि अच्छा जी इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट होती है तो कहाँ से उठती है और कहाँ तक जाती है, वो एक आने वाले लेक्चर में डिस्कशन हो। सो एएलयू जो है ऑब्वियसली दिस इज द पोर्शन जहां पे के इंस्ट्रक्शंस एग्जीक्यूट होती है, इसमें कोई ऐसी मुश्किल बात नहीं है। अच्छा, आईओ एंड स्पेशल फंक्शंस, ठीक है जी, इनपुट आउटपुट लाइंस के ऊपर जो है ना वो आपने डालना है, तो ऑब्वियसली अगेन वही डेटा बस है जिसने के इन सबको आपस में कनेक्ट किया। नाउ दिस इज दी एवीआर रजिस्टर फाइल, ठीक है जी। सो अगर आप ये गौर करें तो दे आर एक्चुअली 32 इन नंबर, 32 रजिस्टर्स, और कितने बिट्स के हैं, 0 से लेकर 7 तक, 8 बिट्स के। ठीक है जी, बेहतरीन हो गया। अब एक इंपॉर्टेंट बात है और वो ये है कि दे आर मेमोरी मैप्ड। ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, मेमोरी मैप्ड। मेमोरी मैप जो है वो आपके पेरिफेरल्स भी होते हैं, और ये रजिस्टर्स भी होते हैं। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि आपकी आपने जब रजिस्टर से कोई चीज डेटा उठाना है, या आपने लेट्स से कि सीरियल पोर्ट पे कोई डेटा आया, पीडब्ल्यूएम के ऊपर कोई डेटा भेजना है, ठीक है, एनालॉग एडीसी के ऊपर कोई डेटा आना है, वो डेटा आके पहले किसी जगह के ऊपर स्टोर हो, ठीक है जी। अच्छा, अब एक तरीका तो ये हो सकता था कि जी हर एक का ना अपना अपना अलहदा से एड्रेस हो, तो मैंने सीरियल पोर्ट्स के साथ कम्युनिकेट करना है, तो मैं जो ना वो जाऊं और मैं सीरियल पोर्ट के ऊपर उस जगह के ऊपर से वो डेटा उठा के ले, ठीक है जी। दूसरा क्या तरीका हो सकता है? ये ऐसे है कि आजकल आपने देखा होगा फूड डिलीवरी वगैरह बहुत ज्यादा जो ना वो आम हो गई। सो सपोज कि एक अपार्टमेंट्स की बिल्डिंग है, और उस अपार्टमेंट्स की बिल्डिंग में जो है ना वो अगर वो फूड पैंडा वाले आए तो उसको पहले जो है ना वो ढूंढना पड़ेगा कि किसके घर में ये सामान जो है ना वो देना है, ठीक है। ऑन दी अदर हैंड, अगर बिल्डिंग में नीचे ही एक रिसेप्शन डेस्क बना हुआ हो और उस रिसेप्शन डेस्क को ये पता हो कि ये जो है ना वो किसको देना है, या एक और जगह वो ज्यादा आसान बात, आपको पता है कि हर घर का कई दफा ना अपार्टमेंट्स वाली बिल्डिंग में नीचे एक जो ना वो बना हुआ होता है मेल बॉक्स बना हुआ, बहुत सारे बॉक्सेस होते हैं, हर घर का अपना एक बॉक्स होता है। सो लेट्स जस्ट से कि मेल वाला आया, वो उसने कहा कि जी 32A में जाना है, उसने 32A का जो बॉक्स था उसके अंदर मेल ड्रॉप कर। सो दिस इज कॉल्ड मेमोरी मैपिंग, के असल जो चीज है वो कहीं और लोकेटेड है, लेकिन फॉर द ईज ऑफ ऑपरेशन आपने उसको जो ड्रॉप किया है वो कहां पे किया है, एक कॉमन जगह के ऊपर ड्रॉप किया जिसको सारे एक्सेस करते। सपोज मैं इसमें सिर्फ एक चीज और जो ना वो आसान दे, अभी तो जो नॉर्मल मेल का ऑपरेशन है उसमें तो यू होता है कि जी जो भी बंदा ग्राउंड फ्लोर से ही उसके ऊपर जाना होता है, तो ग्राउंड फ्लोर पे जो भी आता है वो पहले आके अपना मेल बॉक्स चेक करता है, मेल बॉक्स चेक करके और अपनी मेल निकाल के ऊपर चला जाता है। दिस इज वन वे ऑफ डूइंग इट। अगर सपोज मैं कोई ऑटोमेटिक मैकेनिज्म ऐसा लगा दूं कि जिसमें उस बॉक्स से आगे जो है ना वो
वो स्पेसिफिक अपार्टमेंट कनेक्टेड और वो मेल खुद ब खुद उसके पास डिलीवर हो जाएगा। तो एडवांटेज ये होगा कि जो बाहर से एक्सटर्नली जो ऑपरेट कर रहा है और इंटरनली भी जो ऑपरेट कर रहा है उसके लिए जिंदगी बड़ी आसान हो। यानी अगर मैंने कोई मेल भेजनी है तो भी मैं ये कर सकता हूं कि मैं अपने वाले जो है ना वो अपने अपार्टमेंट से एक डब्बे में डालूं, वो डब्बा आके एक सेंट्रल मेल बॉक्स में या मेरे वाले मेल बॉक्स में चला जाए, सुबह को बंदा आए वो आके मेल निकाल के लेके। दूसरा, मैंने कोई चीज लेनी है तो वो मेरे पास भी इसी तरीके से जो है ना वो चली जाएगी। ठीक है, इसको अगर आप मेल से भी ज्यादा इम्पोर्टेंट है कि मेल तो आजकल बहुत जो है ना वो कम रिसीव होना शुरू हो गया, ज्यादातर ईमेल के ऊपर से, गार्बेज एंड फूड के जो है ना वो तरीके से देखें, हर घर ने गार्बेज भेजना है, हर घर ने फूड डिलीवरी में या और ग्रॉसरी आइटम रिसीव करने, तो नीचे एक ऐसा बॉक्स बना हो जो मेरे घर से कनेक्टेड हो, तो मैं जो है ना मेरा फूड आइटम आए तो मेरा फूड आइटम उसमें पहुंच जाए और मैं जो है ना वो वहां से वो फूड आइटम जो है ना वो मेरे तक भी डायरेक्टली आ जाए। और इसी तरह नीचे एक और बॉक्स हो जो कि जो है ना वो गार्बेज के लिए हो, कि मैं ऊपर से अगर कोई चीज भेजूं तो वो नीचे उस बॉक्स तक आ जाए, गार्बेज मेरा निकाल के वो जो है ना वो नीचे। सो दिस इज कॉल्ड मेमोरी मैप्ड आयो। किस तरह से कि हर जो यूआरट में काम करना है सीरियल पोर्ट में, उसके पीछे उसका अपना एक रजिस्टर होगा जिसमें डेटा स्टोर होता है, बट वो मैप हुआ होता है उसका एड्रेस, फिजिकली वो रजिस्टर एग्जिस्ट करता है बट उसकी वन टू वन कॉरेस्पॉन्डेंस होती है विद अनदर एड्रेस इन द मेमोरी। अच्छा, आसानी क्या हुई कि प्रोग्राम हमेशा किसको एक्सेस कर रहा है, प्रोग्राम हमेशा मेमोरी को एक्सेस कर रहा है, वो जाके स्पेसिफिक पेरिफेरल्स को एक्सेस नहीं कर रहा। उसने अगर सीपीयू के रजिस्टर भी एक्सेस करने हैं तो उसको वो सीपीयू के रजिस्टर एक्सेस करने की जरूरत नहीं है, वो डायरेक्टली डेटा जो जो मेमोरी है उसकी जो फर्स्ट 32 लोकेशंस है वो हमारे डेटा रजिस्टर। तो मेरी एड्रेसिंग स्कीम आसान हो गई, मेरे जितने पेरिफेरल्स थे मेरे जितने रजिस्टर्स थे वो आके एक जगह पे मैप हो गए। अब मैं हर एक के पास नहीं जाता हूं वहां से डेटा लेने, मैं सीधा डेटा मेमोरी से आके डेटा उठा। ठीक है जी, आगे चलते हैं जी। अच्छा, अब इसके अंदर जो है वो एक्स वाई एंड जी रजिस्टर्स है, जो रजिस्टर 26 to 31 है उसमें ये कैपेबिलिटी है कि आप उसमें कंबाइन कर सकते हैं उसके उनके 8 bits को मिला के और 16 बिट का रजिस्टर के तौर पे। अगर आपने लेट्स से कि ज्यादा बड़ा डेटा स्टोर करना है तो आप या ना वो एक्स के रजिस्टर्स हैं एक्स लो एंड एक्स हाई। ठीक है जी, R26 एंड R27। तो क्या है कि 26-27 को मिला के या ना वो आप एक 16 बिट रजिस्टर के तौर पे ट्रीट कर सकते। इसी तरह से वाई में वाई यानी R28 एंड R29 दोनों को वाई लो एंड वाई हाई। सो वाई लो का मतलब ये है कि उधर लीस्ट सिग्निफिकेंट 8 बिट्स 16 बिट में से जो पहली यानी वो 8 बिट्स है वो यानी हो जाएगी, और वाई हाई में जो मोस्ट सिग्निफिकेंट 8 बिट्स है वो आ जाए। इसी तरह से Z R30 एंड R31। सो ये 6 रजिस्टर्स जो है वो आप 16 बिट रजिस्टर्स भी यूज कर सकते। अच्छा, ये याना वो प्रोग्राम मेमोरी का याना वो आपको वो पता है कि वो फ्लैश है, उसके बारे में कुछ नहीं। डेटा मेमोरी के अंदर ये देखिए कि जो मैं अभी बात कर रहा था कि मेमोरी मैप्ड है, फर्स्ट 32 लोकेशंस हैं दे आर याना वो 0000 से लेके 001F तक, दीज आर ऑल योर रजिस्टर्स, द इंटरनल सीपीयू रजिस्टर्स जो कि यहां पे मैप। उसके बाद जो नेक्स्ट 64 है, नेक्स्ट 64 जो है ना वो आयो के रजिस्टर्स हैं, जो आयो के लिए जो उनके स्टेटस और उनको कॉन्फ़िगर करने के लिए जो रजिस्टर्स हैं ये 64 वो है। उसके बाद 160 एक्सटर्नल आयो, यानी कि जो डेटा आपने उनके साथ जो है ना एक्सटर्नल एक्सचेंज करना है ये उनके रजिस्टर से जो मैप्ड है। सो एवरीथिंग इज मैप्ड टू मेमोरी। आपने जब भी कोई काम करना है तो आपका वही काम है कि आपने अपने बॉक्स में से जो है ना वो चीज आपको चीज आपके घर के ऊपर डिलीवर हो जाएगी।
आपका गार्बेज भी आपके घर से कलेक्ट होके बाहर चला जाएगा, लेकिन कहां से होगा? एक सेंट्रल प्लेस से, तो इट इज इजियर टू हैंडल। और बाकी ये जो डेटा है, ये जो है, ये जनरल पर्पस डेटा के लिए यूज हो सकते हैं, ठीक है। सो अब आपको थोड़ा सा फर्क ये भी पता होना चाहिए कि कंप्यूटर में, माइक्रो प्रोसेसर में और इसमें थोड़ा सा फर्क यह है कि माइक्रो प्रोसेसर के अंदर आपका जो प्रोग्राम होता है वो बेसिकली हार्ड डिस्क के ऊपर जो है ना, वो मेमोरी के ऊपर पड़ा हुआ होता है, वो पहले वहां से रैम में लोड होता है और रैम से एग्जीक्यूट होता है। क्यों? क्योंकि हार्ड डिस्क इज अ स्लोअर मीडियम। ऑन द अदर हैंड माइक्रो कंट्रोलर के अंदर वो प्रोग्राम स्टोर भी फ्लैश में होता है और वहीं से इंस्ट्रक्शंस डायरेक्टली फेच होके हो जाती है, बिकॉज इट्स अ फास्टर मेमोरी, फ्लैश इज अ फास्ट मेमोरी, और वो वहां से डायरेक्टली यूज है। तो रैम जो है वो आपका ये मेमोरी मैप्ड आईओ प्लस डेटा रजिस्टर्स, और जो ड्यूरिंग द ऑपरेशन जो वेरिएबल्स लग से क्रिएट हो रहे हैं, वेरिएबल कहाँ क्रिएट होते हैं? मेमोरी में, रैम में क्रिएट होते हैं, ठीक है जी। इंटरमीडिएट रिजल्ट्स, डेटा, ये वो इस तरह की जो चीजें जो स्टोर हो रही होती है प्रोग्राम की एग्जीक्यूशन के दौरान, वो सारी आपकी रैम में आ रही होती है। तो इसको एस रैम भी कहते हैं, डेटा मेमोरी भी कहते हैं। Then there is another long-term data storage memory, जिसको हमने EEPROM कहा था, कि lookup tables हैं। Lookup tables को आपने कहीं store करना है, वहीं store करना। For example, एक समय में मैं एक clock जो है वो बना रहा था, और उस clock में ये था कि जी 365 days का जो है वो 5 नमाजों का exact time था, कि कब जो है वो आपका time जो है वो जोहर का start हो जाता, क्योंकि ये आपको पता है कि डिपेंड करता है जो ना वो अर्थ की रोटेशन अराउंड द सन के ऊपर ना, कि सन कब जो ना वो आपका सीजन्स पे डिपेंड करता है। सो इसके तरह का एक टेबल आपको पता है मस्जिदों में लगा होता है, जिसे जंत्री कहते हैं, ठीक है, उसमें वो सारा डिटेल लिखी होती। तो अच्छा, अब लेट्स से आज 12:22 के ऊपर जोहर का टाइम हो जाएगा सपोज, तो अब ये 12:22 में अपनी क्लॉक तो रन कर दूंगा कि वो कंटिन्यूअसली चलती चली जा रही है, लेकिन लेट्स से कि मैंने एक अलार्म जनरेट करना है कि यार जोहर का टाइम हो गया। जैसे आजकल आपके जो है ना वो मोबाइल्स के ऊपर क्या होता है, एक अजान जो है ना वो बज जाती है, और वो अजान एक फिक्स टाइम के ऊपर नहीं बजती है, वो जैसे ही जोहर के टाइम एंटर होता है वो बज जाती है, वो जो है ना वो प्ले हो जाती है। क्यों? सो क्लॉक तो इस चीज का ख्याल रखेगी कि करंट टाइम क्या है, लेकिन किस टाइम पे अलार्म साउंड करना है वो डेटा रिक्वायर्ड है, वो डेटा कहीं पे स्टोर करना है ताकि उसके साथ कंपेयर किया जा सके। सो वो डेटा कहाँ स्टोर किया जाएगा? EEPROM के अंदर। वो मेमोरी जो के पावर ऑफ करने से इरेज नहीं हो, ठीक है। सो फर्क ये है कि फ्लैश मेमोरी इज अ जो ना वो रीड ओनली, वैसे तो वो भी प्रोग्राम होती है, लेकिन शॉर्ट ऑफ जो ना वो रीड ओनली मेमोरी है, कि एक दफा प्रोग्राम होगी तो दोबारा प्रोग्राम करेंगे तो प्रोग्राम चेंज होगा, अदरवाइज वो चेंज नहीं होगा, पावर ऑफ ऑन करने से उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। EEPROM में भी जो एक दफा डेटा डाल दिया वो दोबारा खुद से प्रोग्राम करेंगे तो फिर वो चेंज होगा, अदरवाइज वो चेंज नहीं होगा। रैम में जो कुछ पड़ा हुआ है जैसे ही पावर ऑफ करेंगे दैट विल बी। सो नाउ वी टॉक अबाउट द स्टैक पॉइंटर रजिस्टर। जिस तरह हमने आर्किटेक्चर में देखा था, देर आर टू जना स्पेशल रजिस्टर्स, वन इज कॉल्ड द स्टेटस रजिस्टर, ठीक है जी, द अदर इज कॉल्ड स्टैक पॉइंटर रजिस्टर, और एक है प्रोग्राम काउंटर। प्रोग्राम काउंटर की हमारी बात हो गई थी कि प्रोग्राम काउंटर जो है वो किस मकसद के लिए यूज होता है, नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन कौन सी उठानी है फ्लैश से उसका एड्रेस उसमें पड़ा, ठीक है, और वो किस बेसिस पे डिसाइड होता है, वो डिसाइड होता है प्रोग्राम काउंटर में जब करंट इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट होती है। वैसे तो सीक्वेंशियली चल रहा होता है, जो करंट इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट हो रही होती है प्रोग्राम काउंटर उससे नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन को पॉइंट आउट कर रहा होता है, बट समटाइम्स ड्यू टू द जंप काइंड ऑफ थिंग्स और कंडीशनल एग्जीक्यूशन होता क्या है कि प्रोग्राम काउंटर को अपडेट करना पड़ता है। सो दैट इज वाई अगर आपको याद हो, सो यहां पे ये जो था, ये देखिए कि प्रोग्राम काउंटर जो है ये ना सिर्फ फ्लैश मेमोरी से में यहाँ पे पॉइंट कर रहा होता है, बल्कि ये ALU का जो रिजल्ट है इस बस के साथ भी ये कनेक्टेड होता है,
तो समटाइम्स यू नीड के प्रोग्राम काउंटर को अपडेट कर दिया, क्यों? क्योंकि फ्लैश में इंस्ट्रक्शंस यूं पड़ी होती ऐसे। सो सपोज प्रोग्राम काउंटर यहां पे था, बट फॉर सम रीजन उसको यहां पे जाके जो पड़ी हुई इंस्ट्रक्शन है वो एग्जीक्यूट करनी पड़ गई। तो ALU क्या करता है, ALU प्रोग्राम काउंटर के अंदर इस एड्रेस को अपडेट कर देता है। तो क्या होती है कि जहां पे अभी प्रोग्राम काउंटर था ये जरा स्टैक के ऊपर पुश हो जाता है, जो डेटा वेरिएबल्स की वैल्यूज वगैरह थी वो स्टैक पे पुश हो जाती है और प्रोग्राम काउंटर के अंदर जो है वो इस वाली इंस्ट्रक्शन का एड्रेस आ जाता है। सो प्रोग्राम काउंटर यहाँ पे पॉइंट करना शुरू करते हैं, सो PC यहाँ पे आ जाता है, ठीक है जी। तो यहाँ से एग्जीक्यूट करते करते जब कंप्लीट करता है एंड इसको अगर वापस जाने की जरूरत है तो फिर ये वापस इसी जगह के ऊपर आ जाता है। ओके, सो स्टैक पॉइंटर रजिस्टर, सो स्टैक का इसका मतलब है कि बड़ा जना इसमें किरदार है, और वो हमने कहा कि क्या किरदार है, इट स्टोर्स द कॉन्टेक्स्ट। जब भी आपने जो है वो आउट ऑफ सीक्वेंस एग्जीक्यूशन करनी है तो फिर ये करंट जो 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 आपका स्टेटस है उसको स्टोर करके आप जाते हैं। सो इट इज मेनली यूज फॉर स्टोरिंग टेम्पररी डेटा, फॉर स्टोरिंग लोकल वेरिएबल्स एंड फॉर स्टोरिंग रिटर्न एड्रेसेस आफ्टर इंटरप्ट्स एंड सबरूटीन कॉल्स। सो क्या हुआ, लेट्स से कि आप एक जगह के ऊपर थे, वहां पे एक वेरिएबल की वैल्यू थी, वेरिएबल था आपका ए, ठीक है जी। ए के अंदर आपने जो ना वो 30 स्टोर किया हुआ था, ठीक है जी। इंटरप्ट आई या लेट्स से कि एक आपको एक फंक्शन कॉल करनी पड़ी, सबरूटीन कॉल करनी पड़ी, तो आप क्या करते हैं कि इसको उठाया, स्टैक पे पुश किया, प्रोग्राम काउंटर इसको स्टैक पे पुश किया बिकॉज दिस इज योर रिटर्न एड्रेस। जब वो फंक्शन की एग्जीक्यूशन कंप्लीट होगी तो आपने यहां से आके दोबारा प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करना शुरू कर, और उसके बाद आप जंप करके इनटू द सबरूटीन, सबरूटीन की सारी इंस्ट्रक्शंस एग्जीक्यूट की, ठीक है जी। वापस आए और वापस आके आपने ये जो चीजें हैं इनको रिस्टोर कर लिया कि अच्छा जी अब नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन कहां से एग्जीक्यूट होगी, वो स्टैक से उठानी है, और वेरिएबल्स जब तक हम यहाँ पे नहीं गए थे तो इनकी वैल्यूज क्या थी। क्यों ऐसा हो सकता है कि इस प्रोग्राम के अंदर भी एक वेरिएबल ए डिक्लेयर हुआ हो, यहाँ पे इसकी वैल्यू लेट्स से 100 हो, सो ये विद इन दिस रूटीन इस ए को 100 के तौर पे यूज करता रहेगा, जब इस रूटीन से निकलेगा तो इसकी वैल्यू जना वो फॉरगेट कर देगा और वहां से जाके ए की जो पुरानी वैल्यू थी वो रिस्टोर कर देगा। अगर आप चाहते हैं कि ये वैल्यू जो है वो चेंज ना हो, यानी जब सब रूटीन में जाए तो ये वैल्यू भी वही वही रहे, और जब ये वापस आए तो भी जो भी विद इन द सब रूटीन अगर उसके अंदर कोई एडिशन सब्ट्रैक्शन कोई भी अपडेट हुआ वो वही रहे, तो फिर उसके तरीके, वो तरीके क्या है, यू यूज स्टैटिक वेरिएबल्स, यू यूज ग्लोबल वेरिएबल्स, यू यूज पासिंग बाय रेफरेंस, और यू पास बाय एड्रेस पॉइंटर्स। बट अगर आप नॉर्मल जो है ना वो वेरिएबल्स यूज करें तो मेन प्रोग्राम में या किसी भी प्रोग्राम के एक सब रूटीन में जो उस वेरिएबल की वैल्यू है आप वही नाम दोबारा जाके यूज कर सकते हैं उसकी वैल्यू, और जो जो जो, जो मुख्तलिफ सब रूटीन्स में सेम वेरिएबल नेम से जो चीजें आ रही हैं उनकी वैल्यूज का आपस में कोई लिंकेज नहीं होगा, ना एक दूसरे पे इम्पैक्ट हो, ठीक है। वेरिएबल नेम आपको पता है कि अदरवाइज भी एज सच इज नथिंग। एक्चुअली जब आप एक वेरिएबल नेम जो ना वो डिक्लेयर करते हैं तो कंपाइलर मेमोरी में डिपेंडिंग अपॉन द टाइप ऑफ वेरिएबल उतनी मेमोरी उसके लिए रिजर्व कर, दैट्स इट। अगर आप इंट कहते हैं तो इंट जो ना वो हमारे पास जो माइक्रो कंट्रोलर्स के अंदर डिफरेंट है, कुछ में इंट 8 बिट्स का काउंट होता है, कुछ में 16 बिट्स जो ना वो काउंट होता है, ठीक है जी। सो यूजुअली माइक्रो प्रोसेसर के अंदर 16 बिट है, सो वो 16 बिट्स 2 बाइट्स रिजर्व कर देता है कि यहां पे इंटीजर टाइप वैल्यू स्टोर हो, ठीक है जी। उसका नाम शाम कोई चीज एज सच डजंट मैटर, उसका एड्रेस जो है दैट मैटर्स, ओके। सो इसके लिए यूज होता है। तो स्टैक इज इंप्लीमेंटेड एज ग्रोइंग फ्रॉम हायर टू लोअर मेमोरी लोकेशंस, टॉप से बॉटम की तरफ आते हैं।
मेमोरी जो डेटा मेमोरी है ना आपकी, वो डेटा मेमोरी इस तरीके से ऑर्गेनाइज होती है कि नीचे से डेटा मेमोरी चल रही होती है, ऊपर की तरफ जा रही होती है, और स्टैक जो है वो ऊपर से नीचे की तरफ आ रहा होता है, ठीक है। सो जब ये एम्प्टी होता है तो जिस पॉइंट पे ये होता है, ये एम्प्टी करके एक जगह वो पीछे जंप कर जाता है, ठीक है। यहां से अगर कोई वैल्यू उठा के खाली करता है तो एक और पीछे जंप कर जाता है। डेटा मेमोरी उल्टी है, डेटा मेमोरी जो है वो लेट्स से यहाँ पे मौजूद है, यहां से अगर इस जगह को स्पेयर करती है तो जो है वो रिवर्स होके यहाँ पे आ जाती है। इसकी वजह क्या है? चूंकि एक ही मेमोरी है जिसको डेटा और स्टैक दोनों के लिए यूज करना है, तो आप ये चाहते हैं, और इन दोनों का जो है वो ऑपरेशन आपस में डिफरेंट है। सो व्हाट यू वांट इज कि दोनों को ग्रोथ के लिए मैक्सिमम जगह जितनी हो सकती है वो मिल जाए। वो कैसे हो सकता है? एक को बॉटम से स्टार्ट कर दे, एक को टॉप से स्टार्ट कर दे, तो दरमियान वाली जगह दोनों के लिए ग्रो करने के लिए अवेलेबल है। सो थ्योरेटिकली स्पीकिंग, अगर आपको स्टैक की जरूरत नहीं है तो सारी की सारी मेमोरी डेटा के लिए अवेलेबल है, और थ्योरेटिकली स्पीकिंग अगर आपने डेटा मेमोरी में कुछ भी नहीं डालना तो पूरी मेमोरी स्टैक के लिए अवेलेबल है, ठीक है। ओके, द स्टैक पॉइंटर रजिस्टर ऑलवेज पॉइंट्स टू द टॉप ऑफ द स्टैक। टॉप ऑफ द स्टैक का मतलब क्या हुआ? चूंकि वो हायर से लोअर एड्रेसेस की तरफ जाना वो कर रहा है, तो वो इस पॉइंट पे, अगर स्टैक यहां पहुंचे तो इसके ऊपर। टॉप का मतलब ये नहीं है, इसके ये रिवर्स एड्रेस होता है, ये टॉप से बॉटम की तरफ आता है, इसका टॉप छोटा है और बॉटम बड़ा है, तो ये इसको कर रहा होता है। सो जाना ये एक स्पेशल रजिस्टर है इन आईओ स्पेस 3E and 3D। इट हैज इनफ बिट्स टू एड्रेस द डेटा स्पेस, ठीक है जी। ये जना वो हाईएस्ट मेमोरी एड्रेस के ऊपर वहां से जना वो इनिशियलाइज होता है। अच्छा, और अब इससे स्टैक को जना वो यूज करने के लिए क्या क्या जना वो आपका जना वो इंस्ट्रक्शंस यूज करते हैं। पुश है, पुश से स्टैक के ऊपर जना वो आप चीजें पुश करते हैं। पॉप से जना वो आप पॉप करते हैं, बट क्या है, पुश करते हैं तो एक मेमोरी एड्रेस आप जना वो नीचे चले जाते हैं, यानी ऐसे मूव करें ना इसके अंदर स्टैक के अंदर यू मूव कर रहे हैं, तो अगर आप यहां पे थे तो पुश करेंगे तो आप यहां पे आ जाएंगे, ठीक है जी। एक और वैल्यू पुश करनी, तो पुश का मतलब है स्टैक पे चीज डालना, पॉप का मतलब है वहां से चीज निकालना। इसी तरह से कॉल, आई कॉल, आर कॉल जो है ये डिक्रीमेंट बाय वन, यानी अगर आपने डबल दो मेमोरी लोकेशन के ऊपर कुछ डाला है तो फिर वो दो मेमोरी लोकेशन जो है ना वो आगे बढ़ जाएगा। इट इज लाइक अ पुश बट टू मेमोरी लोकेशंस। इसी तरह से रिटर्न और RETI ये जो है वो पॉप की तरह है बट दो मेमोरी लोकेशंस, ठीक है जी। किसका? ये उसका रजिस्टर का एड्रेस लिखा हुआ, ये मेमोरी मैप आया था ना यहाँ पे जो एड्रेस, ये जो एड्रेसेस लिखे हुए ना, ये इस रेंज में कहीं पे यहाँ पे वो स्टैक पॉइंटर रजिस्टर जो है पड़ा हुआ होता है, क्योंकि हमने कहा ना कि हर चीज मेमोरी मैप्ड है। अच्छा, उसके बाद प्रोग्राम स्टेटस रजिस्टर। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टाइप ऑफ रजिस्टर, वेरी इंपॉर्टेंट। आपके सीपीयू में जो भी काम हो रहा होता है अल्टीमेटली जाना वो सक्सेसफुल हुआ, अनसक्सेसफुल हुआ, उसमें कोई मसला आ गया, डीबग करता है, वो सारी की सारी जाना वो चीजें यहाँ पे ये स्टेटस रजिस्टर बना। सो इसकी 8 bits का बड़ा मतलब है, ठीक है जी। आई ग्लोबल इंटरप्ट इनेबल, जब तक ये बिट आपकी 1 नहीं होगी, ठीक है जी, ये वाली, तब तक आपकी इंटरप्ट फंक्शन नहीं करेंगे। इंटरप्ट जब हम पढ़ेंगे तो बेसिकली क्या है कि समटाइम्स यू नीड अ सडन जो ना वो या इमीडिएट इंफॉर्मेशन टू समथिंग, ठीक है जी। तो वो जो इमीडिएट इंफॉर्मेशन है, ठीक है, वो क्या है? इट इज लाइक द रिंग ऑफ योर टेलीफोन, सेल फोन। जब सेल फोन की रिंग बजती है तो वो क्या है? इट नीड्स इमीडिएट अटेंशन, ठीक है जी। सो ये आई ऐसे है कि आप अपने फोन की रिंग ऑफ कर दें या ऑन कर दें, तो दिस इज लाइक दैट। अच्छा, अब एक तो ये है कि जी इंटरप्ट का ग्लोबल, उसके अलावा हर इंटरप्ट का एक अपना भी फ्लैग होता है। इंडिविजुअल इंटरप्ट को भी ऑन या ऑफ किया जाता है। मिसाल के तौर पे आपके घर में 10 टेलीफोन्स हैं, ठीक है जी,
और आप भी एक ऐसा प्रोग्राम कर देते हैं कि यार रात के 10 बजे ना सारे मोबाइल्स की जो टोन है ना वो खुद ही ऑफ हो जाएगा, दैट इज ग्लोबल इंटरप्ट। और दूसरा क्या हो सकता है, दिन में आप काम कर रहे हैं ठीक है, सो आप अपने बच्चों से कहते हैं बेटे अपने मोबाइल की रिंग जो है ना वो बंद कर दें ताकि मुझे डिस्टर्बेंस ना हो, मैं अपना काम कर, वो इंडिविजुअल इंटरप्ट है और ये ग्लोबल इंटरप्ट। So, जब तक दोनों चीजें ऑन नहीं होंगी आपको वो इंटरप्ट नहीं मिलेगी, देन जाना ये टी जाना वो फ्लैग बेट ठीक है जी। अच्छा ये मुझे अभी ये नहीं पता कि ये क्यों है, ये फ्लैग बेट व्हाई इज इट यूज्ड, चलिए इसको मैं चेक करके आपको बताऊंगा, आई डोंट रिमेम्बर दिस। बीसीडी अरिथमेटिक करते हैं तो उसके अंदर जो ना वो एक हाफ कैरी एक जो ना वो टाइप की चीज होती है, ये जब हम उसका अर्थमेटिक अगर आपको उससे याद हो ना डिजिटल लॉजिक डिजाइन से, तो जो नॉर्मल अर्थमेटिक और बीसीडी अर्थमेटिक के अंदर जो है ना वो फर्क ये होता था कि आपको बीसीडी अर्थमेटिक करते हुए जब भी जो सम है वो 19 से ज्यादा होता था यू डिटेक्ट, तो फिर आप उसके अंदर 6 जो है ना वो एड किया करते सम यूज्ड, इफ द सम इज मोर देन 19 आपको उसमें 6 एड करना पड़ता था, तो दिस इज फॉर दैट। साइन बिट के जी आपका जो रिजल्ट आया है वो पॉजिटिव है या नेगेटिव है। ओवरफ्लो अगर आपने दो नंबर्स मल्टीप्लाई किए लेकिन वो इतने बड़े नंबर थे कि आपकी कैपेसिटी ही नहीं है उसका रिजल्ट अपने पास स्टोर करने की, तो आपको ये पता चलना चाहिए कि यार मेरा जो रिजल्ट है वो ठीक नहीं है, दिस इज डिटेक्टेड बाय अ बिट विच इज कॉल्ड ओवरफ्लो ठीक है। नेगेटिव जना इसका भी मुझे नहीं याद कि ये क्यों है, जीरो, हाँ जीरो इफ आई रिमेम्बर इट करेक्ट, सो दिस इज डिवाइड बाय जीरो, कि अगर आप जो है ना वो दो नंबर्स को डिवाइड करने लगे और आपका डिनोमिनेटर इज जीरो तो ये जो है ना वो बिट आपकी ऑन हो जाती है कि जी आप डिवाइड बाय जीरो, अदरवाइज वो फिर एक इनफाइनाइट लूप पे चला जाता है, तो वो फिर क्या होता है कि ये वो डिविजन ऑपरेशन नहीं करता और यहां से ये जीरो बिट को ऑन कर, और कैरी जब जाना वो आपका जो ना वो कैरी बिट जनरेट हुआ वो हो अगर जो एडिशन कर रहे ठीक है। इसके बाद आईओ पिन्स आईओ पोर्ट्स, तो एक्सटर्नल वर्ल्ड के साथ बातचीत करने के लिए बहुत सारे इंटरफेसेस हैं जो कि जो ना वो स्पेशलाइज्ड काम करते हैं, फॉर एग्जांपल सीरियल पोर्ट एक खास तरीके से काम करते हैं, पीडब्ल्यूएम खास तरीके से काम करते हैं, जो आपके कुछ पिन्स ऐसी होती हैं जो कि जो ना वो जनरल पर्पस होती है, इनको जीपीआईओ कहते हैं ठीक है जी। तो इस टाइप की इसके अंदर जो ना वो तीन पोर्ट्स हैं, पोर्ट सी डी बी सी एंड डी ठीक है जी। सो अगर आप देखें तो इसके अंदर टोटल कितनी है, 23 पिन्स हैं, 8 पिन्स डी में 8 पिन्स बी में और सी में जो ना वो 7 पिन्स हैं जो कि आपको अवेलेबल होती है, एक ये तो इंपॉर्टेंट बात है। नेक्स्ट चीज क्या है, ईच पिन इज डायरेक्टली प्रोग्रामेबल, ये बहुत बड़ी चीज है कि बिट एड्रेसेबल है, ये आपके माइक्रोप्रोसेसर के अंदर जो चीजें हैं वो बिट एड्रेसेबल नहीं होती, वो बाइट एड्रेसेबल होती। तो लेट्स जस्ट से कि आपने पोर्ट ए की या पोर्ट बी की 5 नंबर पिन को चेंज करना है तो वहां पे आपको एक्सआर ऑपरेशंस के थ्रू करना पड़ता है, बट जब बिट एड्रेसेबल हो जाती है चीज तो आप डायरेक्टली जाके उस बिट को एड्रेस करके और चेंज कर देते हैं ठीक है जी। अच्छा अब इसके साथ जो है ना वो मुख्तलिफ और चीजें जो है ना वो अटैच्ड है, हर जो 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 पोर्ट है उसके साथ तीन रजिस्टर्स अटैच होते हैं, वो हम आगे चल के देख लेते हैं खाला, या वो शायद हम जनरल पर्पस आईओ को जब डिस्कस करेंगे तब देखेंगे। अच्छा इसके साथ ना वो इनके साथ एक पुल अप रजिस्टर जो ना वो रजिस्टर्स लगे हुए होते हैं, पुल अप जो ना वो रजिस्टर्स क्या होते हैं ये भी हम जनरल पर्पस आयो में जो ना वो देख लेंगे, वो मेक श्योर करते हैं कि स्टैटिक चार्ज या किसी और रीजन की वजह से अनडिफाइंड स्टेट ना हो किसी भी पिन की ठीक है। और सम पिन आर स्पेशल एनालॉग वर्सेस डिजिटल, जो एनालॉग पिन्स वो हैं जो कि एडीसी से कनेक्टेड है, एनालॉग इनपुट लेती हैं ताकि आप उसको कर सके, फॉर एग्जांपल जैसे हम अभी बात कर रहे थे प्रोजेक्ट की, तो टेम्परेचर सेंसर जनरली आपको जो आउटपुट दे रहा होता है वो एनालॉग आउटपुट देते हैं, थर्मोकपल लगाएंगे एनालॉग आउटपुट देगा, तो उस एनालॉग आउटपुट को आपका तो कंप्यूटर नहीं समझता, उसको पहले डिजिटाइज करना ठीक है जी। फिर क्लॉक्स है, रीसेट पिन है, दे आर स्पेशल फंक्शंस,
IO ports के जिसमें हमने कहा कि जो ना वो तीन 8 बिट पोर्ट्स हैं और ईच पोर्ट इज कंट्रोल्ड बाय 3 8 बिट रजिस्टर्स. हर पोर्ट के साथ तीन रजिस्टर्स हैं. ठीक है जी, क्या क्या? नंबर वन DDRX डायरेक्शन, इनपुट या आउटपुट. अगर आप उसको जीरो जिस पिन के लिए लिख देते हैं उस रजिस्टर के लिए, वो पिन इनपुट बन जाती है. जहां पे वन लिख देते हैं वो आउटपुट बन जाती है. पिन एक्स, पिन की इनपुट वैल्यू. ठीक है जी, ये क्या है कि आपने अगर जो ना वो पिन इनपुट के तौर पे है तो फिर आप इस रजिस्टर से जाके उसकी वैल्यू, इनपुट की वैल्यू वहां से रीड करते हैं. और पोर्ट एक्स आउटपुट वैल्यू, ये वो एक वो रजिस्टर है जिसमें कि आप जाके वैल्यू लिख देते हैं तो वो आउटपुट के ऊपर जो ना वो रिफ्लेक्ट हो जाती है. इज देयर एनीथिंग इंपॉर्टेंट हियर? ये फंक्शंस हम बाद में देखेंगे, ये भी जना ये जब हम GPIO पे आएंगे या तो तब देखेंगे. एनालॉग पेंस भी हम ADC में देख लेंगे. ठीक है जी, पल्स रेट मॉड्यूलेशन उसी वक्त देख लेंगे. अच्छा, अब एक और इम्पोर्टेंट बात जो लास्ट में जो ना वो कहूंगा, लास्ट बातचीत यही होगी. आपके पास जो नंबर ऑफ पिन है ना वो बड़ी लिमिटेड होती है माइक्रो कंट्रोलर के अंदर, लेकिन फंक्शंस उसके अंदर ज्यादा होते हैं. सो आप समटाइम्स देखेंगे कि एक ही जो पिन है वो मल्टीपल काम कर सकती है. इट कैन बी यूज लेट्स से एज एन इनपुट या आउटपुट, इट कैन बी यूज एज अ PWM. ठीक है जी, तो दो से तीन फंक्शंस वो कर सकती है. अच्छा, अब होता ये है कि वो पिन एक वक्त में एक ही काम करती है. उसके पीछे एक जो ना वो रजिस्टर लगा होता है जिसमें आप कन्फिगर करते हैं कि ये पिन किस मकसद के लिए इस्तेमाल हो. तो हर पिन के साथ वो जो तीन रजिस्टर्स थे वो तो GPIO वाले थे ना, उसके अलावा ये डिसाइड करने के लिए कि ये पिन किस मकसद के लिए इस्तेमाल होगी, एक और रजिस्टर एंड एक मल्टीप्लेक्सर होता है. लेट्स से कि आपने जो ना वो एक पिन है, यहाँ पे ये एक पिन है, इसके पीछे एक अगर जो ना वो मल्टीप्लेक्सर लगा हो, तो लेट्स से कि PWM इनपुट इधर आ रही है, GPIO वाली इधर आ रही है. ठीक है जी, और सपोज के ADC भी इसी पे कन्फिगर हुआ है तो ADC इसके ऊपर आ रहा है. सो आप जब कन्फिगर करते हैं कि ये पिन किस मकसद के लिए इस्तेमाल होती है, तो ये लेट्स से कि आप कहते हैं कि जी ये GPIO के तौर पर इस्तेमाल होते हैं, ये इनको आपस में जो ना वो कनेक्ट कर देगा, ये मल्टीप्लेक्सर, तो ये GPIO के तौर पर इस्तेमाल होगा. अच्छा, इसका मतलब ये नहीं है कि आपने अगर एक पिन एक दफा इस्तेमाल कर ली है एक काम के लिए तो वो ड्यूरिंग द प्रोग्राम चेंज करके आप किसी और चीज पे नहीं लगा सकते, ऐसा नहीं है. आप लेट्स से कि प्रोग्राम रन कर रहे हैं, आपको पहले वो GPIO के तौर पे पिन चाहिए थी, अब आपको PWM के तौर पे चाहिए. अब ड्यूरिंग द जाना वो एग्जीक्यूशन ऑफ द प्रोग्राम जाना वो उसका को चेंज करके और दूसरी चीज पे ले जा सकते हैं. हाउएवर इट इज नॉट रिकमेंडेड क्योंकि फिर वो कंट्रोल बड़ा मुश्किल हो जाता है उसका. ठीक है, बट अगर बहुत कम पिन है और मजबूरी है तो फिर जाना वो आप इसको कर सकते हैं. ठीक है,